Hi, welcome again to Cookpad. I'm Sargam, the nutritionist from Cookpad, who welcomes Nitin Sawant today with us. Nitin Sawant ke baare mein hum jitna bhi kehna chahenge, wo kam hi hoga. Nitin Sawant, actually the best thing would be that I begin to introduce you as an Ayurvedic food expert who has been in the industry for more than 5 years now. And inka food startup hai, which is called Ayurvedic. जिसके ये चीफ ईटिंग ऑफिसर हैं एंड इन्होंने इंडिया का सबसे पहला जैन ओनली किचन शुरुआत किया है जो गुजरात में है सो वेलकम नितिन थैंक यू गाइस थैंक यू कुकपैड So thank you so much for Cookpad for inviting Nitin over here and हमारे viewers और हमारे Cookpad community India को ये बताने के लिए आज कि Ayurvedic basically Ayurvedic food Ayurvedic and food ये दोनों एक साथ कैसे चलते हैं So to begin with Nitin मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि Ayurvedic actually is to do with curing medicine it's to do with you know any illness so people say कि I am taking an Ayurvedic treatment, or people say that I am consulting an Ayurvedic doctor. So, how is Ayurvedic food? I mean, Ayurveda connected to food? Right. Very interesting question, Sargam. Actually, what happens is there are a lot of these pathies that cure diseases that are into wellness and things like that. Ayurveda probably is the only one which considers food as medicine. So, आप यही अच्छा आयुर्वेदा ही एक है जो मेडिसिन मतलब उसको खाने को भी हम मेडिसिन की तरह इस्तेमाल करते हैं अच्छा तो मैं आयुर्वेदिक खाना आयुर्वेदिक खाने को जी 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 तो खाना जो भी है तो क्या है आयुर्वेदा का बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है कि हम जब पैदा होते हैं तो हमारी एक प्रकृति होती है तो जिस तरह की वो प्रकृति क्या है आयुर्वेदा में तीन दोषा हम मानते हैं जिसकी हम प्रकृति मानते हैं कि मतलब एनी ह्यूमन बॉडी इज योर माइंड बॉडी कॉन्शियसनेस इज मेड ऑफ कफ वात पित्त ये तीन डायनेमिक प्रिंसिपल्स हैं तो ये तीन डायनेमिक प्रिंसिपल्स जब आप पैदा होते हैं तो उस टाइम पे जो आपके शरीर के हालात होते हैं जो आपके मेंटल मेकअप होता है जो आपका एनवायरमेंट होता है तब ये आपका ये दोषा डिसाइड होता है तो आपकी ये प्रकृति बन गई तो वो प्रकृति ही आपकी कंटिन्यूस रहने वाली है जिस वक्त आप ये हो कफ पित्त और वात ये तीनों सेम टू सेम वही रहेंगे हाँ तो वही रहेंगे तो इनको क्या है आयुर्वेदा इज वेरी क्लियर अबाउट दिस कि ये तीन दोषा है ये त्रिदोषा जब तक बैलेंस है हार्मोनी में है तब तक आप फिट है द मोमेंट दिस बैलेंस गोज अवे योर हेल्थ स्टार्ट्स बिकमिंग गोइंग अप एंड डाउन तो जब समझो आपकी प्रकृति जब आप बॉर्न हुए थे तो एक्स वाई जेड थी और आप Eventually, because आप वो जगह से दूर हो गए आपका खाना चेंज हो गया आपकी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई एनवायरमेंट चेंज हो गया आपने सब गलत सलत करना शुरू कर दिया अपने हेल्थ के बारे में तो जो तभी की जो कंडीशन है उसे हम कहते हैं विकृति तो ये आयुर्वेदिक जो वैद्य होता है जो फिजिशियन होता है उसका काम ये होता है कि आपकी प्रकृति गेज करे और आपकी अभी की जो विकृति है वो आपके प्रकृति के नजदीक ले जाए जब आपका ये बैलेंस हो जाएगा त्रिदोषा बैलेंस हो जाएगा आप फिट है ठीक है ना और इसमें सबसे बड़ा ये इसका जो महत्व है वो ये है कि हर जो आपका दोष है वात है पित्त है कफ है तो सबका अपना अपना एक फूड सेट है कि वात ने ये खाना चाहिए ये नहीं खाना चाहिए पित्त ने ये खाना चाहिए ये नहीं खाना चाहिए तो आप द मोमेंट आपका अगर जो नाड़ी परीक्षा होती है और वो बोलते हैं कि भाई आपको कफ ज्यादा है आपको पित्त ज्यादा है फॉर एग्जाम्पल जैसा आपको पित्त ज्यादा है तो मैं बोलूंगा आप लाल तीखा मना कर मतलब लाल मिर्ची कम कर दीजिए हरी मिर्ची कम कर दीजिए आप ये फला चीजें ना खाएं ठीक है ना तो वो हिसाब से मतलब आपका जो हीलिंग जो प्रोसेस होते हैं तो मेडिसिन तो एक बात है द मोमेंट यू चेंज योर डाइट आप अपने दोषा डाइट के हिसाब से आप जैसे खाना खाएंगे तो आपकी बीमारी वैसे ही कंट्रोल में आने शुरू होती है अच्छा यू नो तो प्रॉब्ली आयुर्वेदा एक ऐसी एक ही पैथी होगी कि जिसमें फूड को इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है और फूड की डेफिनेशन भी बड़ी बड़ी अलग है जो बाकी लोग कहते हैं और हम लोग जो कहते हैं ओके जो आयुर्वेदा एक्सपर्ट्स कहते हैं फूड एक्सपर्ट्स जी 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 अच्छा परफेक्ट मतलब दिस इज समथिंग वेरी व्हाट टू से समथिंग न्यू एक्चुअली सो एक तरीके से एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ इज द जर्नी फ्रॉम टू बैलेंस दोज थ्री
Absolutely, three doshas all throughout, yes. And to stay healthy. Absolutely. So, beech mein jo hamara gadbad ho jata hai, you know, Tom, because at one point of time, I think there is one place where we stop thinking about our health. Absolutely. And then suddenly, yeah, many times. Tab tak, yeah, to tab tak shayad wo imbalance shuru ho chuka hota hai. So, this is such a beautiful way of, I mean, this actually is quite enlightening to me also to know that Ayurveda way of eating food is so much that actually a human body needs. Yeah, you know? Absolutely. So, yeah. So fir aap kya, second, coming to this, there are a lot of people who are joining in. Everybody is saying hello to you. Yeah. Asifa is saying hello to you and a lot of people, yes. So, I'm sure we'll start having questions very soon. But then they will want to also understand ki humne satvik bahut suna hai. Satvik. So, our community would want to know that Ayurveda or Satvik kya same hai ki different hai? Ayurveda to basically ek pathi hui. आयुर्वेदिक फूड जब हम बोलते हैं, आयुर्वेदा जो फूड रेकमेंड करता है वो नॉट नेसेसरली सात्विक की जो नॉर्मल डेफिनेशन है वो ये है कि सात्विक खाना जब हम व्रत में खाते हैं, अच्छा, फास्टिंग में खाते हैं, रिलीजियस के लिए खाते हैं जी। तो बहुत बार सात्विक खाने में आप प्याज नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते, हाँ। लेकिन ये आपको चलेगा नहीं क्योंकि लहसुन और आपके लिए बहुत बार जरूरी हो जाती है। लहसुन इज द बेस्ट थिंग फॉर योर हार्ट, राइट? सो फॉर योर बीपी, यस ऑल्सो। तो क्या होता है कि हम जैसे ये त्रिदोषा का जो कॉन्सेप्ट है तो ये ट्राइपार्टी अरेंजमेंट आयुर्वेदा में ऑल थ्रू आउट है। इट्स लाइक द बिगिनिंग, मिडल एंड एंड। तो उसमें भी जैसा रज सत तम, तो राजसिक तामसिक सात्विक, ये फूड्स आते हैं उसमें, ठीक है ना? तो उसी तरह से ये बहुत लोगों ने ये किया है कि सात्विक ही मतलब आयुर्वेदिक है, तो ये कुछ जरूरत नहीं है। सात्विक का मतलब नॉर्मली सात्विक इज what we eat during your festivals, okay. आप महाशिवरात्रि के दिन जो जी, खाते अच्छा, हैं अच्छा, या आप नवरात्रि के टाइम जो एक करते हैं, so you try and avoid anything, you know, तो उनका नॉर्मली मानना ये होता है कि बहुत सारे जो राजसिक या तामसिक फूड्स होते हैं वो आपको एक्साइट करते हैं, इंसाइट करते हैं, तो वो कुछ दिनों में आप लॉर्ड के तरफ फोकस रहना चाहते हैं, तो आपको कुछ डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए इनसाइड ऑल्सो। यू शुड नॉट बी स्टिमुलेटेड, यू शुड नॉट बी डिस्टर्ब, यू शुड नॉट हैव एनी इम्बैलेंसेस इन योर बॉडी, सो दैट इज सात्विक। बट आयुर्वेदिक जब आप कोई वैद्य के पास जाएंगे तो आपको वो ऐसे ही मना नहीं करेगा बंद करने का कि भाई आपने अब तो ये सब नहीं खाना है। ऑल ही विल वॉन्ट टू डू सी आयुर्वेदिक हैज आयुर्वेदा हैज अ वेरी डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ फूड, you know. So before taking questions, shall I talk about what we call food? Please, there are questions coming in. Yeah. बहुत questions आए हैं. आप maybe we will take up one question we'll before start, you define. Yeah, I think so. Asifa and I'll tell you. Bimal has written, "Hi sir, I am from Nepal. Yeah. Doctor just told me that my cholesterol level is high and I'm avoiding rice, meat, and sugar, and started morning walk. Mm. So would be great if you suggest foods in Ayurveda or whatever for this problem." So I think Nitin, aap in a broad concept ye bata sakte hain ki basically if he's saying pehle to for somebody who has high cholesterol level, you right, know. Right. So what is it and Ayurveda ka khana kis tarah inko help karega aur inko kya karna hai? मोटा मोटी ये उनका जो डॉक्टर ने उन्होंने कहा, जो वो डॉक्टर ने सही कहा है कि आपने ये राइस मीट शुगर और ये सब बंद करना है या अच्छा, कम करना है। क्या होता है, दिस इज वेयर वी कीप सेइंग कि फूड क्या है। नॉर्मली हम लोग तो अभी कुछ भी खाते हैं, फॉर एग्जांपल जो मार्गरीन या ऐसी सारी चीजें जो यूज करते हैं वो तो फूड भी नहीं है, तो इट्स नॉट योर फूड। सो व्हाट इज फूड, यू नो व्हाट आई व्हेन आयुर्वेदा सेज फूड क्या है, फूड इज समथिंग दैट टेक्स सोलर एनर्जी, यू नो, एंड दैट इज व्हाट वी ईट, and our we are using the digestion process to absorb that energy. See, that is such an important thing because what happens is this very definition cuts out a lot of fruits and vegetables as it is, which are very popular. जो popular और जो शायद सूर्य की energy से बनते भी नहीं है। तो क्या होता है कि अगर सोलर एनर्जी है जो, तो क्या है कि देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आयुर्वेदा सेज डोंट ईट। फॉर एग्जांपल वी टेल यू टू अवॉइड पोटैटोज, वी टेल यू टू अवॉइड टोमेटोज, वी टेल यू टू अवॉइड बैंगन, क्योंकि ये सब सूर्य के। तो इसमें क्या होता है, ये तब जो है ना बहुत सारे लोग हमको भी पूछते हैं इसमें क्या रिसर्च क्या है, ये क्या है, वो क्या है। फॉर्चुनेटली अमेरिकन यूनिवर्सिटी हैज कम आउट विद अ रिसर्च एंड दे हैव फाउंड आउट अ सेट ऑफ फूड्स and vegetables which they call nightshades. Nightshades में क्या होता है, these foods don't require sun to grow. Okay. उनको वो छाव में भी उग सकते हैं और रात को भी उग सकते हैं। तो बैंगन क्या है, ऐसा एक वेजिटेबल है? बैंगन है, पोटेटोज है, टोमेटोज है, टोबैको है। तो उन्होंने क्या किया, ये नाइट शेड्स में अल्कोलॉइड्स है बिकॉज दे आर नॉट, दे डोंट नेसेसरीली यूज द सोलर एनर्जी टू
ग्रो तो ये सब आपको नहीं खाना चाहिए। तो अब ये महर्षि चरण जी 5000 साल पहले बोल के गए कि आप ये सब आप मत खाओ। और एनीवे पोटेटोस टोमेटोस इंडियन फूड है ही नहीं वैसे, तो 300-400 साल पहले आया हुआ है। तो अब हम भी वही कहते हैं, जैसा फॉर एग्जाम्पल मैं बीमल जी को यही बोलूंगा कि यार ये अगर आप ये फूड सारे अवॉइड करें और आप जैसा अभी अभी राइस है, अब राइस तो ये जो व्हाइट पॉलिश जो अभी का जो एक्स्ट्रा पॉलिश राइस है उससे तो कोई मतलब किसी को कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन अगर आप हैंड पाउंडेड सिंगल पॉलिश वाला राइस है या रेड राइस है या ब्राउन राइस पे रहे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, है ना। जैसा अभी आपको अगर ये कोलेस्ट्रॉल और ये सब है तो आप सब आप व्हीट का सब चीजें अवॉइड कर लीजिए। आप मूंग कीजिए ज्वार पे, आप बाजरे पे, रागी नाचनी बोलते हैं या आपके यहाँ क्या बोलते हैं नेपाल में तो मुझे नहीं पता, लेकिन मूंग और ये सारी चीजें हैं जो आप आपको ज्यादा से ज्यादा ये करना चाहिए, यू इस्तेमाल करना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि ये सब चीजों में फाइबर बहुत अच्छा है, तो आपका डिजेशन और सारा चीज। देखिए आयुर्वेदा में सबसे बड़ी बात क्या है कि हम ये बोलते हैं अगर ये सोलर एनर्जी वाला चीज फूड नहीं है, ठीक है ना, तो ये आपके पेट के अग्नि को खराब करेगा। अच्छा। अग्नि क्या है कि ऑल द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस एंड द एंजाइम्स दैट आर यूज्ड टू डाइजेस्ट फूड। तो आयुर्वेदा इज अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम कि आपका अनडाइजेस्टेड फूड है ये आपको सारी बीमारी कराता है। तो अनडाइजेस्ट जो डाइजेशन नहीं होगा ऐसी चीज आप लो मत, ठीक है ना। तो आप कौन सी चीज डाइजेस्ट नहीं होगी जिसमें फाइबर नहीं है, ठीक है ना। अब फाइबर नहीं है बोलने से मतलब क्या होगा, सीधा मैदा बाहर हो गया, बेसन भी बाय एंड लार्ज बाहर हो गया। तो आप देखिए कि हमने जो मॉडर्न फूड में हम जो भी कुछ खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने बर्गर लिया तो उसका जो ब्रेड है नॉट टू बी एड, बिस्किट्स जी नहीं, पिज्जा बिल्कुल नहीं। पिज्जा तो एग्जैक्टली परफेक्टली ऐसा चीज है जिसमें हर चीज अवॉइड करनी चाहिए। देर इज टोमेटोज, देर इज चीज, कमर्शियल प्रोसेस चीज, देर इज लॉट ऑफ मैदा, उसमें साथ में आपने कोल्ड ड्रिंक्स और सब डाल दिया, मतलब एवरीथिंग दैट हैज टू बी अवॉइडेड। तो मतलब मैं तो बीमल जी अगर यार और कोई सुन रहा है, अगर आपको पिज्जा ही खाना है और आपने अगर गलती से पिज्जा छोड़ के पिज्जा जो बॉक्स में पैक होके आया है वो बॉक्स भी खा लिया तो आपको न्यूट्रिशन उतना ही मिलने वाला है, यानी कुछ नहीं मिलने वाला है, है ना। सो बेसिकली बिमल के लिए यही सबसे बेटर होगा बोलने के लिए कि यस यू आर अवॉइडिंग राइस मीट एंड शुगर व्हिच इज अ परफेक्ट थिंग दैट यू आर डूइंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो आपने बोला है कि आप रागी की चीजें खाइए, बाजरा खाइए, ज्वार खाइए, दिस इज ऑल्सो गुड इन फॉर योर कोलेस्ट्रॉल, दिस इज ऑल्सो गुड फॉर योर आई डोंट नो व्हाट्स योर वेट, दिस इज ऑल्सो गुड फॉर योर वेट। एंड जब तक आप ये चीजें खाते रहोगे विच आर दैट नॉन लेस प्रोसेस्ड फूड। आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग फॉर बिमल जी, अगर बिकॉज अगर वेट इश्यूज है आपको, इसका मतलब अगर आई एम एज्यूमिंग कि आपको स्वीट्स पसंद है, तो जरूरी नहीं है कि आपने स्वीट नहीं खाना है, आपने सिर्फ शुगर नहीं खाना है। लेकिन अगर आपके पास वहां अनप्रोसेस्ड या केमिकल फ्री आपको गुड़ मिलता है, जैगरी, या अगर आपको लिक्विड मोलासेस जिसको हम लोग यहाँ पे काकवी बोलते हैं, अगर वो मिलता है, क्योंकि जितने आयुर्वेदा में मेडिसिन बनते हैं, जितने आसव अरिष्ट जितने बनते हैं वो काकवी से बनते हैं, ठीक है ना, तो ये काकवी आपको मिलती है या आपको ऑर्गेनिक गुड़ मिलता है तो फील फ्री आप कुछ भी आप उसको खा सकते हैं, आपको उसमें कोई तकलीफ नहीं होगी ना डायबिटीज का कोई इश्यू होगा। अच्छा गुड़ का एक बात बताइए, यूजुअली बिकॉज आई पर्सनली फील कि गुड़ जिस तरह यहाँ पे मिलता है, गुड़ इज बेसिकली इट नीड्स टू बी रियली क्लीन, तो ऑर्गेनिक दैट्स व्हाई गुड़ है कि ऐसी चीजें जो ऑर्गेनिक हो तो ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि एक्चुअली यस बराबर है आपकी बात, क्योंकि क्या हो गया है कि हम गुड़ की जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो इतनी बिगड़ गई क्योंकि हमने गुड़ छोड़ के शक्कर पे आना शुरू कर दिया, उसकी वॉल्यूम कुछ नहीं है, वहां पे किसी का ध्यान नहीं है, कुछ नहीं है, शक्कर के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, गुड़ अभी भी एट अ लोकल लेवल आर्टिजनल लेवल पे बनता है, तो उसमें कोई बहुत सारे जगह पे क्वालिटी कंट्रोल नहीं है। लेकिन अगर आपको केमिकल फ्री गुड़ मिले जो आज बाजार में बहुत मिलता है, आज के तारीख में ऑर्गेनिक गुड़ मिले एक्सेलेंट, और अगर आपको वो भी सब नहीं चाहिए एंड यू वांट टू गो स्टिल वन स्टेप बिहाइंड देन यू शुड गो फॉर ऑर्गेनिक मोलासेस जो हम लोग काकवी बोलते हैं। अगर आप कोई भी आयुर्वेदिक स्टोर में जाएंगे और उनसे काकवी मांगेंगे तो वो उससे हेल्दी कुछ नहीं है। अच्छा, तो उसका क्या न्यूट्रिएंट वैल्यू क्या होती है? न्यूट्रिएंट वैल्यू तो आई थिंक दैट्स माय जॉब, आई फाइंड दैट आउट। न्यूट्रिएंट वैल्यू एज इन मोलासेस में एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट, बट आई थिंक कैलोरीज इज द ऑलमोस्ट द सेम, सी कैलोरी चाहे मोलासेस हो, जैगरी हो, शुगर हो, इज द सेम, इट्स जस्ट दैट द मिनरल्स के हिसाब से आई थिंक मोलासेस इज मच मोर। एक्चुअली क्या है ना सरगम, कैलोरीज को हमने इतना ये बना के रखा है मतलब उसका, तो कैलोरीज में या जो फैट हम बोलते हैं तो हम लोग को प्रोग्रेसिवली आगे आएंगे तो देयर इज ऑलवेज समथिंग कॉल्ड गुड फैट एंड बैड फैट, एग्जैक्टली, है ना। तो आप अगर आप शक्कर का कुछ भी लेंगे और जरा सा भी लेंगे तो आपके लिए बेकार है, और गुड़ का अगर कुछ है तो मेटाबोलाइज होने वाला है। तो ऐसे नहीं है कि आप बिना फैट के काम कर सकते हो, फैट के बगैर आपका कुछ आगे बढ़ने वाला नहीं है, तो लेकिन वो अच्छा फैट होना चाहिए जी। सो मोलासेस एज फार एज माय नॉलेज गोज इज रियली गुड एन एंटी
ऑक्सीजन एंड सर्टेन मिनरल्स जो मोलासेस में फाइंड आउट किए जाते हैं आई थिंक वो जैगरी से बेटर होता है. सो आसिफा वॉन्ट्स टू नो क्योंकि ना हमारे देश में दही खाने की प्रथा स्पेशली इन द नाइट बहुत है. सो एंड जैसे साउथ में वी ईट अ लॉट ऑफ दही इन द नाइट बट देर आर पीपल हु से दैट दही शुड नॉट बी ईटन इन द नाइट. सो लेकिन इसमें अब जैसे यू नो इवन इन महाराष्ट्र आई थिंक दही रात को खाते हैं. एक्चुअली दही खाने की कोई प्रथा नहीं है. अच्छा दही खाने की प्रथा ये बाहर आई हुई है, आई हुई है. तो दही खाने की जो प्रथा नहीं है बटर मिल्क यानी छाछ पीने की और छाछ मिक्स करने की प्रथा है. दही क्या है आपको दही कोल्ड आपको हाथ को ठंडा लगता है ये लगता है लेकिन उसका जो तासीर है उसके लिए वो हॉट है. ठीक है. तो दही किसने खाना चाहिए रात को तो अवॉइड ही करना चाहिए लेकिन जो आदमी बहुत दुबला पतला है तो वो दही खाए तो चलता है लेकिन सबने नहीं खाना चाहिए. लेकिन दही खाने से जो आपको बेनिफिट मिलते हैं या जो आपको टेस्ट का है वो आपको छाछ पीने से भी मिलने वाले हैं. अच्छा। तो आप अगर उसको जितना पतला करके पिए छाछ का करके पिए तो आपको बहुत बेनिफिट है उसमें. अच्छा। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपको ऑल वो त्रिदोष बैलेंस भी हो जाएगा. और अगर वो ज्यादा लगे उसमें तो आप तड़का दीजिए, तड़का देके कर लीजिए तो ऑल द मोर बेटर फॉर यू. तो रात को दही तो अवॉइड, दही ही अवॉइड करो. अच्छा दही अवॉइड कीजिए. छाछ बटर मिल्क आप जितना मर्जी पी लीजिए, तड़का देके पी लीजिए, थोड़ा सा जीरा डालिए करने के लिए टेस्ट बढ़ाने के लिए थोड़ी वैरायटी चाहिए. सो बेसिकली दही को अवॉइड कीजिए बट देन दही एज इन इन फॉर्म ऑफ बटर मिल्क या छाछ या मट्ठा आप पी सकते हैं. यस ग्रेट. सो let's see if we have some any other can you suggest me about the food that can be avoided due to allergies. And Sushmita Chakraborty says that can we consume ginger and garlic together. Ayurvedic ke hisab se adrak aur lehsun kya hum saath mein le sakte hain. Le sakte aisa kuch particular koi ye nahi hai usme. Dekhiye kya hota hai lehsun mein bahut bar sabko problem kya hota hai lehsun kaun se stage mein aapne nikali hai, kitni kahan ki hai, kaisi hai ya bande ki पित्त लेवल क्या है उसमें बहुत बार क्या होता है लहसुन खाने से किसी का पित्त शूट होता है. अच्छा। लहसुन अवॉइड नहीं करनी चाहिए. अगर उस तरह कुछ है तो आप क्या कीजिए लहसुन पेटल्स जो भी है तो आप रात को उसको बटर मिल्क में भिगो के रखिए. ओके। तो उसको नेक्स्ट डे क्या होगा जैसे अंकुरित अंकुरित दाल अंकुर आता. अच्छा। है ना वैसे उसके अंदर अंकुर आता है तो उसको काट के उसके अंदर एक थोड़ा सा एक ये होगा ग्रोथ होगा उसको निकाल दीजिए. वो एक रात में हो जाता है वो आप दुबावे रखो तो दोपहर तक भी थोड़ा बहुत हो जाता है. तो उसको निकालने से क्या होता है उसका जो फायर है ना वो कमती हो जाता है खत्म हो जाता है लेकिन वो उसको रेस्ट ऑफ द चीजें खाने से उसका जो बेनिफिट है वो आपको पूरा मिलने वाला है. ठीक है ना. तो किसी को अगर कोई बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है लहसुन से. अच्छा। तो वो अगर वो आप इस तरह से अवॉइड कर सकते हैं. जिंजर तो बिल्कुल अवॉइड नहीं करना चाहिए जितना मैं ये कहता हूँ. ठीक है ना. हाँ रेड रेड चिलीज ग्रीन चिलीज आप टोटली निकाल दो. ग्रीन चिलीज यस यस टोटली निकाल दो. देखो रेड चिली ग्रीन चिली ये चीजें ये कोई स्पाइस नहीं है. ये हमारे इसमें कभी था भी नहीं. अगर आप जितने भी हमारी पुराने कुक बुक्स देखेंगे तो आपको किसी में भी रेड चिली ग्रीन चिली मिलेगा ही नहीं. बट ग्रीन चिली अ लॉट ऑफ आई थिंक यहाँ पे साइंस और आयुर्वेदा का थोड़ा थोड़ा नहीं कोई क्लैश नहीं कोई क्लैश नहीं. देखो बेनिफिट सब में है. टोमेटो में भी बेनिफिट है. नहीं ऐसे नहीं है लेकिन वो क्या है वो बेनिफिट किसको है. फॉर एग्जाम्पल हम लोगों सबको बचपन से एक फ्रेज सिखाते हैं एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे. राइट. अगर हम यहाँ पे रोज अगर एप्पल खाएंगे ना डॉक्टर तो दूर नहीं हम लू से दूर जरूर दूर रहेंगे जितना आप कॉन्स्टिपेटेड हो जाएंगे. क्योंकि लॉट ऑफ एप्पल्स दैट वी फाइंड हियर व्हिच आर कमिंग फ्रॉम एवरीवेयर आर कॉन्स्टिपेटिंग. ठीक है ना. तो ये क्या है ये यूरोपियन फ्रेज है. वो वहां पे जब कोल्ड एटमोसफेयर में एप्पल के सिवा और कुछ होता नहीं. हमारे पास दुनिया भर के फ्रूट्स हैं. ठीक है ना. इतने फ्रूट्स हैं कि मतलब यहाँ से हम फ्रूट्स उनको बेचते हैं और हम ये उनका फ्रेज लेके अगर एप्पल खाएंगे. ठीक है ना. तो ये गलत बात है. उसी तरह से क्या है ये ग्रीन चिली का मैं ये नहीं कहता हूँ कि उसके कोई बेनिफिट नहीं. रेड चिली के भी बेनिफिट्स है. टोमेटो के बेनिफिट्स है. थोड़ा हार्म कर सकती है. बट ग्रीन चिलीज आई थॉट जो रॉ ग्रीन चिलीज हैं. नहीं 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 नहीं. अगर आपको पित्त प्रॉब्लम है तो आपको क्या करें आपको तो बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा उसको. और हाइट में आपको बताता हूँ. आई हैव अ पेशेंट वाज सेंट टू मी बाय अ न्यूट्रिशनिस्ट. उनको टंग कैंसर था और वो उनको सेवरी चीजें पसंद थी स्पाइसी चीजें पसंद थी लेकिन बिकॉज ऑफ दैट वो कुछ खा नहीं सकते थे. ठीक है ना. तो वो तरस रहे थे कुछ खाने के लिए और उन्होंने जब हमारा खाना खाया तो उनको कोई जलन नहीं हुई कुछ नहीं हुई. तो उसका कारण क्या है कि ये जो 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 भी स्पाइस हम यूज करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा क्या यूज करते हैं. वो जैसे आपके सलाइवा के साथ मिक्स होता है और आपको यहाँ से महसूस होना शुरू होता है. लेकिन चिली जो है वो आप ब्रेक करो और आंख के पास ले जाओ तो आपकी आंख से पानी आ जाएगा. आपको वैसे ही आ जाएगा. चिली इज नॉट ए स्पाइस. जो उससे जो गर्मी मिलती है आपको वो फीलिंग है वो आपका वो रिएक्शन. इट्स नॉट अ रिएक्शन ऑफ द स्पाइस. ठीक है ना. क्या है हमने क्या कर दिया है कि जो भी फूड
कमर्शियली इजी है बनाने को. फॉर एग्जाम्पल चिलीज है या गेहूं है या जो पॉलिश चावल है या ये सनफ्लावर है, ये सारी चीजें क्या होती है, प्रोडक्शन इज वेरी इजी, हार्वेस्टिंग इज इजी ऑन अ मैकेनिकल स्केल. तो हमने क्या कर दिया कि भाई हमने वो तेल ले लिया कि भाई ये क्या है कि जैसे तेल एग्जाम्पल, जैसे तेल का सब लोग पूछते हैं तो मैं सबको ये बोलता हूँ कि ऑलिव ऑयल है, कैनोला, ये सब चीजें है ना, उठा के फेंक दो बाहर. ठीक है, कोकोनट ऑयल भी मतलब आप बालों में लगाओ, कुछ जगह पे कोई सम एनवायरमेंट में कोकोनट ऑयल चलता है, लेकिन आयुर्वेद में तेल का मतलब क्या है. तेल अगर आयुर्वेद में, जैसे आपको दो तीन किताबें हैं हमारी, उसमें अगर जो लिखा है उन्होंने रैंडमली तेल लिखा है, इसका मतलब क्या है, तो तेल वो चीज है जो तिल से निकलती है. तो वो वर्ड का ही मतलब है तेल, तेल का मतलब क्या है कि तेल वो चीज है जो तिल से निकला है. तो आयुर्वेद जब रैंडमली बोलता है ये तेल में ये पकाओ वो पकाओ, इसका मतलब तिल के तेल में पकाओ, अनलेस इट इज स्पेसिफिकली स्पेसिफाइड कि आप राई के तेल में पकाओ इन सम एनवायरमेंट्स एंड ड्यूरिंग सम एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, नॉट ऑलवेज, राइट. एंड बेस्ट मीडियम ऑफ फ्राइंग और फैट इज देसी गाय का घी, है ना. तो क्या होता है कि हम ये सब चीजें भूल के, हमने ये फ्राइड चीजें खराब होती है, कुछ नहीं, फ्राइंग बहुत ही सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस है जिससे आप अपने खाने का मॉइस्चर निकालते हैं, खाने का टेस्ट बढ़ाते हैं और खाने को अच्छी तरह से लास्ट करवा सकते हैं उसको. और आप देखिए उसमें कि जैसे उड़द है या बहुत सारी चीजें आप जब फ्राई करते हैं तो देर आर लॉट ऑफ फैट सोल्यूबल इंग्रेडिएंट्स और एंजाइम्स दैट यू गेट. तो आप बिना फ्राई करें उसको आपको मिलेगा नहीं. तो आप फ्राइंग के खिलाफ बिल्कुल मत लीजिए. बस ये है कि फ्राई आपको तिल के तेल में हो सके तो देसी गाय के घी में करना चाहिए. तिल का तेल तो आप कॉमनली कर सकते हैं. अब तिल की तेल के इश्यू क्या है कि आप जब तिल का जब आप प्लांटेशन लगाते हैं और उसको प्लग करते हैं तो मैकेनिकली प्लग नहीं कर सकते क्योंकि वो पॉड खुलता है बीच में गिर जाते हैं. अच्छा. तो आप मैकेनिकल हार्वेस्टिंग नहीं कर सकते तो उसमें क्या होता है कि उसकी कॉस्ट महंगी हो जाती है. अब इनको बिग फूड या फूड इंडस्ट्री को क्या चाहिए कि भाई हमने यहाँ से ट्रैक्टर चला दिया सब हार्वेस्ट हो गया, इजिली हो गया, प्रोसेस हो गया, आसानी से हो गया. ये आसानी से होने वाला या क्वांटिटी में होने वाला काम नहीं है. इसके लिए तिल का तेल पीछे छूट गया, है ना. तो दैट इज वन. और दूसरा मैं आपसे थ्रू द मीडियम ऑफ कुकपैड, क्योंकि मैंने बहुत सारी कुकपैड की रेसिपीज देखी. कुकपैड इज डूइंग अ ग्रेट जॉब, लेट मी टेल यू. आप इतने सारे रेसिपीज ला रहे हो, इट्स लाइक क्राउड सोर्सिंग ऑफ द बेस्ट रेसिपीज. मैंने बहुत कुछ रेसिपीज देखी जहां उसमें तेल लिखा हुआ है, आप इसको इसमें लीजिए अपने ऑलिव ऑयल में और ये सब में. आपको ध्यान रखना पड़ेगा तेल का फंडा क्या होता है. जब आप फ्राई करते हैं तो हर तेल का एक स्मोक पॉइंट होता है. वो स्मोक पॉइंट आप रीच करिए उसके आगे या वहां से तेल खराब होना शुरू होता है. स्मोकिंग पॉइंट, एक स्मोक पॉइंट होता है. आप वो स्मोक पॉइंट के नीचे जब है तब तक आपका तेल अच्छा है. तो ये आप जब ऑलिव ऑयल में फ्राई करते हैं तो ऑलिव ऑयल आपको ध्यान रखना पड़ेगा 320 डिग्री फारेनहाइट उसका स्मोक पॉइंट है. मतलब आपने गर्म कर दिया वो खराब हो गया. तो आप अगर ऑलिव ऑयल आपको एकदम जो अगर किसको आप मेडिटेरियन क्लाइमेट में रह रहे हो तो आप उसको जितना ऊपर से लेके खाओ बिना फ्राई किए, एक्सलेंट. हमारे कोई चीज में वो चलने वाला नहीं है, स्पेशली फ्राई में. और तो बेस्ट पार्ट क्या है कि अगर आप देसी गाय का घी देंगे तो 500 डिग्री फारेनहाइट पे मतलब वो कभी जलेगा ही नहीं, अब खराब नहीं होगा. दूसरा है जो हम जो तिल का तेल बोलते हैं 410 डिग्री फारेनहाइट, वो भी खराब नहीं होगा. आपने एक बार तिल का तेल गर्म कर दिया फिर कम करके आप चलते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है ना. एज अगेंस्ट दैट ये जितने भी सारे ऑयल्स जो आप दे रहे हैं लो स्मोक पॉइंट वाले ऑयल्स है ये जल्द से जल्द खराब होते हैं. और उल्टा जब हम उनको फ्राइंग वाइंग के लिए यूज करते हैं, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, जैसे मैं ऑलिव ऑयल यूज करती हूँ या करता हूँ फॉर कुकिंग एंड बट देन यू नो एग्जैक्टली दे आर नॉट अवेयर ऑफ द स्मोकिंग पॉइंट. उल्टा इसके हानिकारक जो इफेक्ट्स होते हैं दे आर टेकिंग दैट. इनफैक्ट एज पर माई एक्सपीरियंस आई थिंक सेसमे ऑयल में जब आप खस्ती चीजें बनाते तो वो ज्यादा खस्ती बनती है. Absolutely, absolutely. Especially, समोसा एंड जो कचौड़ियां होती हैं जब सिसेमे ऑयल में आप बनाओ या फ्राई करो कंपैरेटिव टू एनी अदर ऑयल इट बिकम्स मोर खस्ता एंड इट डज नॉट टेक इन अ लॉट ऑफ ऑयल. यस यस यस. हम चटनी बनाते हैं कुछ बनाते हैं उसको आप चटनी को क्रश करो और छोड़ दो आपको हाथ पे बैरली कुछ मुश्किल में कोई ऑयल मिलेगा. तो उससे बेनिफिट क्या है. बेनिफिट ये है कि भाई आपको कोई जैसे आप तेल का खाओ भी तो भी आपके पेट में ज्यादा तेल नहीं जाता. फॉर एग्जाम्पल अभी समर मंथ्स है तो हम वैसे भी बोलते हैं तेल का थोड़ा कम खाओ. तो वो आप अगर सेसमी ऑयल में खाओ जी भर के खाओ यार कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. ये चीजें आई थिंक जानने के लिए भी यू नो दीज आर छोटी छोटी चीजें जो दिमाग में रहती हैं बट देन सिंस आप उसको पेटेंट कर रहे हो आज सो इट्स मच नाइसर टू हियर फ्रॉम अ आयुर्वेदिक फूड एक्सपर्ट. एंड वृंदा वुड वांट टू नो एलर्जीज के लिए आपके हिसाब से क्या चीजें अवॉइड की जा सकती है. देखिए एलर्जी किस चीज की है मुझे मालूम नहीं है तो डायरेक्टली मैं बता नहीं सकता. और दूसरा ये है कि as a non practicing, I mean not as somebody who's not a doctor,
तो मुझे ये बोलना नहीं चाहिए इथिकली, लेकिन देखो दो तीन चीजें, अच्छा हुआ आपने पूछ लिया ये एलर्जी का चीज, अब आप एलर्जी के लिए क्या है जानता नहीं हूं। तो हम जो मैं जो हम लोग एज आयुर्वेद में, मेरा कंपनी का नाम आयुर्वेद है, और हम लोग जब खाना बनाते हैं तो कुछ चीजें हम लोग बिल्कुल निकाल देते हैं हमारे खाने से। वो चीजें क्या, एग्जाम्पल वात में चीजें है जो खानी चाहिए नहीं खानी चाहिए, पित्त में कुछ चीजें है जो खानी चाहिए नहीं खानी चाहिए, सिमिलरली फॉर कफ, कुछ चीजें आप खा सकते हैं कुछ चीजें नहीं खा सकते। हमने क्या किया, तीनों के लिए जो चीजें नहीं खा सकते वो टोटल बना दी, उसकी लिस्ट बना दी, और उसको सबको हमने हमने हमारे किचन से बाहर कर लिया। तो क्या क्या बाहर हो गया, आपका टोबैको बाहर हो गया, टोबैको खाते नहीं वैसे बट नाइट साइड का ये लिस्ट प्लीज आप लोग लीजिए, आपने टोमेटोज बाहर कर दिया, हमने हमने पोटेटोज बाहर कर दिया, हमने बैंगन बाहर कर दिया, हमने शिमला बाहर कर दिया, हमने लाल हरी मिर्च बाहर कर दिया, तो बच्चा क्या खाएगा। अरे बहुत कुछ है, मैंने पहले लिस्ट निकालने के लिए बताता हूँ, मैंने बेसन निकाल दिया, मैंने मैदा निकाल दिया, ठीक है ना, मैंने तुअर की दाल निकाल दी। ओके आपने बेसन बोला, ठीक है मैं इसके बारे में बाद में पूछूंगी। तो ये सब जब निकल जाता है, ठीक है ना, जब मैंने तिल का तेल यूज करना शुरू कर दिया, मैंने देसी गाय का घी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब जब हम देसी गाय का घी बोलते हैं तो यहाँ से एलर्जीज की शुरुआत होती है। अगर आपके बेसिक एलर्जी का, कोई भी एलर्जी के वाले के पास जाएंगे कोई डॉक्टर के पास, मिल्क वो बंद कराता है, लेकिन वो मिल्क बंद कराना गलत है, ठीक है ना। मिल्क का फैट ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आप किस कौन सा मिल्क लेते हो ना उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। देखिए इसमें क्या है, आप गूगल कर सकते हैं, देयर इज अ रिसर्च कॉल्ड डेविल इन द मिल्क। तो ये डेविल क्या कर रहा था, ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर हु वाज रिसर्चिंग ऑल द डिजीजेस एंड ही फाउंड आउट दैट The starting of all the diseases is a casein compound called BCM7. ये BCM7 है, ये दूध से आता है और ये ट्रिगर करता है आपके डायबिटीज, आपकी यू नो हाइपर एसिडिटी, आपका ओबेसिटी एंड ऑल। तो ही वॉज वरीड कि अगर भाई ये अगर BCM7 से ट्रिगर हो रही है तो ये पुराने लोगों को क्यों नहीं हुई, क्योंकि पुराना डाइट तो लार्जली मिल्क बेस्ड था। जब पुराने लोग थे वो गाय के ऊपर ही सर्वाइव करते थे, तो उन्होंने ये सब गाय का स्टडी किया, रिसर्च किया, तो उनको सिर्फ दो ब्रीड्स में उनको BCM7 नहीं मिला। तो वो ब्रीड्स थी तो एन काउस, दैट इज अवर काउस, ऑल द काउस दैट वी हैव, एंड देन देयर इज अ अफ्रीकन काउ, द काउस दैट आर देयर इन अफ्रीका, द ट्रेडिशनल काउस, लेकिन बाकी A2 क्या है, जो अपनी देसी गाय का घी या देसी गाय का दूध, तो ये देसी गाय के इसमें कोई BCM7 नहीं है। तो ये आप वैसे अगर आप दूध स्विच करेंगे ना तो आपके आधी एलर्जीज बाय डिफॉल्ट चले जाती है। देखो बहुत सारी एलर्जीज होती है वो रिएक्शन टू रिएक्शन टू रिएक्शन होती है, आपको होता कुछ और है, उसका इफेक्ट कहीं और होता है, उसका रिएक्शन कहीं और होता है। तो बहुत बार ये होता है कि अगर आप, हम तो यही कहते हैं कि देसी गाय का घी आप लीजिए, आप उसको इस्तेमाल कीजिए हर चीज में, और देसी गाय का दूध अगर घी आपके पास है, नॉर्थ में तो आपको साहीवाल मिलेगा, ये आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा कि आसानी से नहीं मिलेगा। तो आपको क्वेश्चन हियर इज द मेहनत हियर इज कि आपको या लक हियर इज कि असली गाय का दूध वो आपको, देसी गाय आपको ढूंढना है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे लाइन में खड़ा होके जाता हूँ, वो कोई मेरे हेल्थ को कंट्रीब्यूट नहीं करता ना मेरा पैसा बढ़ाता है। मैंने आईफोन लिया, वो लाइन में खड़ा होके लिया है। इफ आई कैन डू ऑल दैट फॉर, इफ आई कैन यू नो ब्रिंग द सेम पैशन टू सम ऑफ माय फूड हैबिट्स, माय हेल्थ इज गोइंग टू इंप्रूव। और मैं आपको बार बार ये, सिंस यू हैव सेड अबाउट ऑल दिस थिंग्स, लेट मी ब्रिंग इन सम अदर कॉन्सेप्ट हियर। ये फूड करता क्या है आपके, इसमें ये कोई क्वेश्चन नहीं लेकिन फिर भी मैं पूछता हूँ, ये फूड क्या करता है। जैसे ये फूड आपको जब आप इंजेस्ट करते हो तो ये फूड का, आयुर्वेदा में इसको हम सप्त धातु बोलते हैं, सात धातु। तो ये फूड का पहले प्लाज्मा बनता है, तो ये धातु होते हैं यानी मिनरल्स होता है। तो पहले प्लाज्मा से ब्लड बनता है रिफाइन होके, वो उसको और रिफाइन होके मसल बनता है। ये तीनों जैसे रिफाइन होते हैं, ये चौथा स्टेज है फैट या एडिपोज टिश्यू। तो ये फैट है, वो फैट को और होके आपका बोन बनता है, फिर उसको और रिफाइन होके बोन मैरो बनता है, और लास्ट स्टेज है आपके सेमिनल फ्लूइड्स बनते हैं, यानी सीमेन है या लेडीज में एग्स वो बनते हैं, और ये सब रिफाइन होके ओजस बनता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो सेवन मैंने सीक्वेंस बोला वो दूसरा पहले के बगैर नहीं होगा, ठीक है ना। यानी अगर आपके पास फैट नहीं है तो आगे बोन मैरो में तकलीफ आएगी। अच्छा। और अगर ये बोन मैरो नहीं है, और अगर आपके पास बराबर से फैट नहीं है तो सेमिनल फ्लूइड्स में तकलीफ आएगी। तो अगर जो ये आज का रीजन है, आज की सबसे बड़ी डिजीज है PCOD एंड ऑल द रिप्रोडक्टिव डिजीज, एंड फॉर सम रीजंस पीपल आर नॉट एबल टू कंसीव प्रेगनेंसी।
प्रॉब्लम हो रही है। यस अगर हमारे पास जब कोई भी ऐसा पूछने आता है तो हम यही बोलते हैं यार ये तुम ये खाओ पहले, ये खाओ ये आपका सब बराबर कर देगा बहुत सारा चीज, क्योंकि हमने क्या कर दिया फॉर सम रीजन हमने फैट को दुश्मन मान लिया और जो भी है और हम गलत फैट रख रहे हैं और सही फैट ले नहीं रहे हैं। तो अगर ये नहीं है और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, मैं बहुत लोग ये बोलते हैं कि हमारे पास ये सब का टाइम नहीं होता ये नहीं होता, तो आपको ध्यान रखना चाहिए ओजस जो लास्ट में जो है, ओजस क्या है, ओजस इज योर मेंटल क्लैरिटी, योर मेंटल शार्पनेस, योर फिजिकल वेलबींग, यू नो एंड योर जनरल हेल्थ। यानी कि अगर आप कोई प्रैक्टिसिंग सीए हो या प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हो या आप फिल्म लाइन में हो टेलीविजन पे हो, आपकी शार्पनेस या आप कितने अलर्ट है एजाइल है मेंटली, ये क्या होता है बहुत बार हम देखते हैं कि ये जिंदगी के कुछ टाइम के लिए रहती है जब आप यंग रहते हैं, ये कुछ जवान रहते हैं एक्टिव रहते हैं, लेकिन ये फूड डिपेंडेंट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपने आज गलत खा रहे हो आज तो आगे जाके वो आपके मेंटल एजिलिटी भी खत्म करने वाला है आपको, आप इवेंचुअली आपको देखेगा कि ये जो भूलने की बीमारी या आप पहले जैसा नहीं रहा पहले जितना काम नहीं कर सकते, ये कुछ नहीं होता, ये ऐसे कुछ नहीं, कुछ जरूरी कहीं लिखा हुआ नहीं है कि आपको ये टाइम के बाद आपको याद नहीं रहना चाहिए या कुछ पर्टिकुलर उम्र के बाद आपको कुछ नहीं रहना चाहिए। हम गांव में राजस्थान में आज भी देखते हैं 60 साल 55 साल के आदमी को लड़का हो रहा है, बच्चे हो रहे हैं और उसके पेपर में न्यूज आती है और वो बोलता है कि हमारे दादाजी को भी ऐसे हुआ था। तो ये कोई मतलब ये चीजें नहीं है, ये अगर आप सही तरह से खाओ और आप ध्यान रखें अपना बेटा स्पेशली क्या होता है, हमने ऐसा बोलना नहीं चाहिए लेकिन मेरे हिसाब से क्या है फेमिनिज्म का हमने बहुत सारा ना गलत कंसेप्ट लिया है, हमने मतलब यू आर अ गुड फीमेल एंड फेमिनिस्ट बट लेट मी पॉइंट आउट दिस वे, फेमिनिज्म हमने क्या ये कर लिया कि भाई जो भी हमारी घर की लेडी है घर की औरत है वो किचन न्यूट्रिशनल गेट की पर कोई होना चाहिए आपके घर का और प्रिफरेंस के रियलाइज होता है। तो द मॉम एंड फादर मदर एंड फादर बोथ हैव टू मेक श्योर दैट कि वो किचन में बराबर से खाना बने, फास्ट फूड जो है और ये सब गलत है, हम बहुत बार क्या होते हैं हम गलत चीजों से इंप्रेस होते हैं क्योंकि क्या है ये वी आर मीडिया ड्रिवन है तो सब लोग जब हमारे पास आते हैं बहुत सारे आई सेल अ लॉट ऑफ माय फूड स्टफ टू मॉडलिंग इंडस्ट्री, लॉट ऑफ मॉडल्स आई रिमेंबर व्हेन आई यू नो इवन एज अ न्यूट्रिशनिस्ट आई हैड सीन से यहाँ पे पूछ रहे हैं ये दाल और रोटी किसकी लू इन ऑल दैट, सो रोटी जैसे इन्होंने बोला ज्वार एंड बाजरा, ज्वार बाजरा राजगीरा कुछ भी एक्सेप्ट गेहूं। हाँ तो अच्छा आप गेहूं बना ही कर रहे हैं आप गेहूं, देखो गेहूं क्या है, गेहूं हमारा कोई धान नहीं था, जो हमारा ट्रेडिशनल पंजाब और वो साइड में जो गेहूं था वो तो हमने मिटा दिया, तो ये जो गेहूं जो हम जो अभी उगा रहे हैं वो बाय एंड लार्ज वहां से निकला हुआ है जो जब मुगल्स केम टू इंडिया एंड दे रीच द फर्स्ट प्लेन्स ऑफ पंजाब, तो उन्होंने अपने घोड़ों को खाने के लिए ये चीजें बनाई। तो ये आप घोड़े का खाना खा रहे हो, घोड़े का तो पेट मजबूत है, गाय भैंस का पेट चार चार होते हैं तीन चार होते हैं वो हजम कर सकते हैं, वो उसको प्रोसेस अच्छी तरह से कर सकते हैं ग्लूटेन को, हम और आप नहीं, ये हमारे आपके लिए नहीं है। सो दैट वाज अ सो दैट इज या एज यू सेइंग बाय एंड लार्ज ऐसा खाना इज बेटर कि यू नो जिस तरह नितिन जी कह रहे हैं, इनफैक्ट श्वेता इज आस्किंग कि श्वेता ने अभी पुट अप किया है कि अरुण कक्कड़ जानना चाहते हैं कि एक आयुर्वेदिक हेल्दी ब्रेकफास्ट क्या है। अरुण कक्कड़ जी से मैं ये कहूंगा कि देखिए क्या होता है हेल्दी ब्रेकफास्ट, तो जैसे द बेस्ट ब्रेक आज के तारीख आज का ये ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी का एनवायरनमेंट ले रहा हूँ समर, अब समर सीजन है तो आपको जो आपको खाना है वो आपके बॉडी को ठंडा रखे ऐसे खाना है। तो अगर आप द सिंपलेस्ट आई मीन दीज ऑल फूड्स वर देयर विद अस, अगर आपको जैसे अगर अरुण काकड़ के नाम से महसूस हो रहा है कि बंदा महाराष्ट्रियन है, तो अगर महाराष्ट्रियन डिशेस होती है हमें ज्वारी का आंबिल, यू नो ज्वारी का एक आंबिल करके ये बनाते हैं, रागी का आंबिल बनाते हैं, वो क्या करेंगे आपके आपको इसका ये लेना है आटा लेना है ज्वार का या बाजरे का तो नहीं है रागी ले लो, बाजरा आप अवॉइड कीजिए थोड़ा क्योंकि अभी गर्मी के इसमें थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, आयरन कंटेंट ज्यादा है, बहुत बढ़िया है बाजरी, बीच बीच में एक आध बार लो तो चलेगा लेकिन रोज नहीं, और वो आप उसको गर्म पानी में आप उसको अच्छी तरह से घोलिए या पानी गर्म करते वक्त उसको घोलिए, थोड़ा सा उसमें ये कड़ी पत्ता है बाकी कुछ डालिए और एक अच्छा एक ग्लास भर के छाछ डालिए और उसको मिक्स कीजिए, कोई बोतल में भर के लेके जाइए, पूरा दिन पीजिए या सवेरे भी पीजिए
एज अ नाश्ता कीजिए या पूरा दिन पीजिए, आपको इतनी ठंडक महसूस होगी। ये एक्चुअली हमारे सिस्टम में था ऑलरेडी, मतलब हमारे कल्चर में था। अगर आप साउथ में जाते हैं तो मदुरई में या कहीं भी, उसको लोग कम्मन कूज या कुछ बोलते हैं, जो वो लेके हर जगह घूमते रहते थे और लोग पीते रहते थे। किसी को कभी कोई, मतलब मैं जहां तक जानता हूँ 20-25 साल पहले, मैंने तो कभी किसी को ये हीट स्ट्रोक या इसकी तकलीफ वाला कोई काम नहीं देगा। अब ये यहाँ बंबई में हो रहा है, जो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। आपको पेस्ट, जिसको हम मराठी में बोलते हैं लाल चावल का, या सिंगल पॉलिश या हैंड हाथ से कूटे हुए चावल का पेस्ट, मतलब पतला चावल आप करके उसका ब्रेक कंजी बोलते हैं जिसको, आप उसका ये लीजिए। बेस्ट ब्रेकफास्ट ये ब्रेकफास्ट है। तो जो आप बोल रहे हो ब्रेकफास्ट के लिए, रागी हो गया या ज्वार हो गया, सीधा मिला दो कि वो रोस्टेड रागी और ज्वार होना चाहिए। रोस्टेड करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कच्चा मिला होगा तो और बेनिफिट, क्योंकि आप वैसे भी उसको उबाल ही रहे हो। अच्छा, उबाल गर्म पानी है ना, गर्म पानी में उबाल, हाँ जी, आप उसको मिक्स कर ही रहे हो तो पानी वो थोड़ा सा हार्ड हो ही जाएगा। करेक्ट करेक्ट, तो वो कुक हो जाएगा, कुक हो जाएगा। और उसको फिर आप दही में, दही नहीं, छाछ, छाछ में मिक्स कर लीजिए। सो दैट्स अ वेरी नाइस, सो दैट्स अ वेरी नाइस ब्रेकफास्ट, दैट्स वेरी फिलिंग। एंड जस्ट बिकॉज़ लॉट ऑफ पीपल विल कंप्लेन अबाउट टाइम इन द मॉर्निंग एंड गो फॉर मैगी, instead of maggi gets cooked in 2 minutes, but your goose is cooked when you eat a lot of maggi. ye aapko 1 minute bhi nahi lagega, ye breakfast ke liye aapko 8 minute nahi lagega, so nobody has a reason to complain. This is also for all the health conscious people also, you know. So Asifa says thank you so much for the reply. Ha, now Asifa is also asking ki is it true that diabetic can consume sugarcane juice? बोला की डायबिटिक पेशेंट वो कौन से बॉर्डर लाइन पे है, फॉर एग्जाम्पल ज्यादा है देन यू शुड बी आस्किंग योर डॉक्टर, अगर नॉर्मल है आई मीन जस्ट इन बॉर्डर लाइन, क्योंकि शुगर केन जूस इटसेल्फ इज लो इन ग्लाइसेमिक इंडेक्स, सो यू कैन हैव, बट देन डिपेंड्स कौन से लेवल का डायबिटिक पेशेंट है। बिल्कुल, अब आप जो कह रहे थे जो लीड करने वाला जी, this question leads me to a question about fruits. A lot of people, eat fruits after they finish their meals. Which is not true. Absolutely wrong. Yeah. आपको क्या है? देखो इसमें, that's why Ayurveda has a very very important concept about food pairing या food combine. आप क्या किसके साथ खा सकते हो? हाँ, ये food pairing is very important. It's very crucial. क्या? और आपको अगर fruit खाना है तो आपको खाने के आधा घंटा पहले खाइए, क्योंकि फ्रूट की जो शुगर है फटाफट मेटाबोलाइज होती है। तो आप कभी भी क्या होता है, तो फ्रूट को हमारा सबसे बड़ा, जो सबसे गंदी चीज अगर हमारे फूड इंडस्ट्री में कोई आई है तो वो मिल्कशेक्स, वो है वो फ्रूट सैलड्स, है ना। तो ये इससे बेकार कोई चीज नहीं है, ठीक है ना। तो फ्रूट की क्या होती है, शुगर फास्ट मेटाबोलाइज होती है, तो आप पहले खाएंगे खाने से पहले, तो वो और किसी के डाइजेशन के साथ, डाइजेस्टिव एंजाइम्स के साथ, देखो वो इंटरफेयर नहीं करेगा, आपको एनर्जी देगा, ठीक है ना। बाकी क्या होता है, देखिए जैसे कोई भी फैट है, प्रोटीन है, कार्ब्स है, सबको अपना डाइजेशन का अपना अलग टाइम है, उनके डाइजेस्टिव एंजाइम्स अलग है। जब आप मिल्क और मेलन कंबाइन करते हैं या मिल्क और आप बनाना कंबाइन करते हैं, तो देखो डिफरेंट फूड ग्रुप्स है, मिल्क लैक्सेटिव है, मेलन्स आर डायुरेटिक, ठीक है। मेलन का शुगर फास्ट मेटाबोलाइज होएगा, तब तक मिल्क रुका रहेगा। टेक्निका को मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो मिल्क विल टेक लॉन्ग टाइम टू प्रोसेस, और मेलन के लिए जो एंजाइम्स चाहिए डाइजेस्ट करने को, वो मिल्क को कर्डल कर देंगे। मतलब आप सोचिए, आप दूध को खराब कर रहे हैं और पी रहे हैं, अपने और वो पेट में भी वही, और वो खराब चीज खराब ही होना है, तो वहां से एलर्जी शुरू होती है जो फटा हुआ ये करने से। तो ये चीजें तो बिल्कुल आपको बंद करनी चाहिए। फ्रूट सैलड होता है, आपको फ्रूट सैलड और वो कभी होटल से मंगाइए, उसको वैसे थोड़ी देर रखिए आप, तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे उसको एक तार छूटती है कोई, मतलब वो वही खराब हो गया है। आपके पेट में जाके तो और खराब होएगा, लेकिन वो उधर ही आप 5 मिनट में खराब हो गया है, तो आप देखिएगा वो पेट में क्या गड़बड़ करने वाला है। तो ये फूड पेयरिंग है, तो ये मिल्क के साथ कोई भी मेलन्स नहीं, मिल्क के साथ कोई डेयरी नहीं, मतलब अपना सॉरी कोई मीट्स नहीं, मतलब अगर आप कोई भी आप ये ले रहे हो एग्स है या ये है, तो उसके साथ मिल्क नो, नॉट टुगेदर। देखिए मैं वेज नॉन वेज की बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप कोई आपके खाने में कोई पर्टिकुलर प्रोटीन टाइप ले रहे हो, मतलब आप अगर एग खा रहे हो तो साथ में आप चिकन ना ले, या दूध भी ना ले, दूध तो वैसे ही ना ले, बगैर फूड कंबाइन है। सो डोंट मिक्स योर प्रोटीन्स। व्हाई? बिकॉज़ एवरी पर्टिकुलर प्रोटीन विल हैव अ सेपरेट डाइजेस्टिव एंजाइम टू डाइजेस्ट। तो आपने बहुत कुछ डाल दिया ना, तो उसको क्या होता है, उसको टाइम लगता है, और वो आपके बॉडी को एनर्जी नहीं मिलती, लेकिन उसको हजम करने में आपकी बॉडी थक जाती है। And that's why gas is, वो तो ब्लोटिंग होता है, गैस होता है, वो अलग चीज है, लेकिन आप ये देखेंगे कि 4-5 घंटे बाद आप थक गए हो जी। आपने अच्छा खाना खाया, आपने बहुत सारा प्रोटीन खाया, लेकिन यू आर टायर्ड, whereas you should have been refreshed, you should have been like अरे पूरा प्रोटीन मिल गया, लेकिन वैसा होता नहीं है।
तो आप इसको में क्या कीजिए, अगर आप कोई प्रोटीन टाइप ले रहे हो तो वही प्रोटीन टाइप में रहिए, ठीक है ना। फूड कंपनी में फूड पे, और एक बात मैं आपको बोलूंगा कि आप कोई भी फ्रेश खाना है वो फ्रेश खाने को पुराने खाने के साथ बहुत मिक्स मत कीजिए। हर खाने की अपनी एनर्जी है, हर खाने की अपनी डाइजेस्टिव लेंथ है, तो आप उसको मिक्स नहीं करना। मतलब फ्रेशली कुक कोई खाना है, अगर फ्रेशली कुक खाना है, अगर आप मैंने राइस मैंने अभी कुक किया है, कोई राइस कल का पड़ा हुआ है, आप मिक्स मत कीजिए, या अगर थोड़ा बहुत है तो चल जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा मिक्स नहीं। और अगर खाना है कल का राइस, तो आप भले सिर्फ उस कल के राइस को उसी पे कर ली, उसी पे रहिए। सो आयुर्वेदा इज अ वेरी क्लियर इंडिकेटर्स है। तो मतलब जस्ट कमिंग बैक, अगर ये इसमें एलर्जीज और ये सब में जो मैंने फूड्स निकालने को बोले, अगर आपने उतने निकाल दिए आपके इसमें, तो आपको वैसे ही, मतलब आपको वैसे ही कुछ नहीं होना, आपको कुछ भी नहीं होना। हम लोग देखो, हर बार हम जब कोई इसमें बैठते हैं, कभी अपने गांव जाते हैं या कभी अपने पुराने लोगों के बारे में बात करते हैं, तो हम ये कहते हैं मेरे दादाजी तो 90 साल की उम्र तक उनके साथ थे, या मेरे 90 साल की उम्र तक इतना चलते थे, खेती में काम करते थे। तो हमारा हमेशा वो सब लोग कहते हैं पुराने लोगों का खाना अलग होता है। पुराने लोगों का खाना क्या है, यही खाना है। पुराने टाइम में कभी किसी ने गेहूं की रोटी नहीं खाई, कभी किसी ने सफेद एक्स्ट्रा पॉलिश डबल पॉलिश वाला कभी चावल नहीं खाया, कभी कभी उन्होंने पोटैटोज नहीं खाए, कभी उनको टोमेटो मिले ही नहीं, ठीक है ना। तो ये गेहूं और ये सब आया है, ये बीमारी 1960-1965 से। और हमने क्या किया, ग्लूटेन के वजह से रोटियां बेलने को आसानी होती है, तो हमने जो हमारा ट्रेडिशनल जो खाना था वो बहुत अच्छा था। अगर आप किसी को भी डायबिटीज, क्योंकि बहुत लोगों ने डायबिटीज का क्वेश्चन पूछा, तो आपके फादर इन लॉ को डायबिटीज है, तो मैं बाकी मैं नहीं बोलता, मैं आपको बोलता हूँ आप तीनों टाइम, नाश्ता है, खाना है, दोपहर का और रात का है, आप तीनों टाइम ज्वार लीजिए, अलग अलग फॉर्म में ज्वार लीजिए। ज्वार का जो जर्म है, जो उसका ग्रेन है, वो टैनिन रिच है, ठीक है ना। तो इतना धीरे धीरे वो ग्लूकोज रिलीज करेगा कि डायबिटिक वाले कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर बॉर्डर लाइन केस है तो उसका बहुत लोगों का, ये लोग कहते हैं कि हमारा डायबिटीज भी खत्म हो गया, करेक्ट, ठीक है ना। मतलब बहुत हाई फाइबर फूड, इट्स अ ग्रेट फूड। नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज, ये फूड हमने बाहर कर दिए और इसके एसेंसेस निकाल के उसके फार्मास्यूटिकल न्यूट्रास्यूटिकल में डाल के हम लोग उसी की दवाइयां ले रहे हैं। आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं, आप अपना नॉर्मल ज्वार बाजरा रागी खाइए, भरपेट खाइए, और उसी से फिट रह सकते हैं। उत्तराखंड में, डेहराडून में आप देखते हैं, उत्तराखंड में सबसे ज्यादा मिलेट्स होते हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी प्रॉब्लम है, आप डेहराडून में जाइए, आपको बैरली कुछ मिलेगा, होटल में बैरली कुछ मिलेट्स मिलेंगे। एंड मोर देन दैट, दीस मिलेट्स आर गेटिंग एक्सपोर्टेड, या दे आर गेटिंग एक्सपोर्टेड। तो एक बात बताइए नितिन जी, जस्ट टू कट यू हियर फॉर एग्जांपल, लाइक आई एम श्योर मेरे जैसे बाकी लोगों का भी कंज्यूमिंग ऑफ फूड मस्ट बी ऑलमोस्ट, फॉर एन एग्जांपल नाउ लाइक आई एम टेकिंग सपोज बाजरा एंड बट आई एम मिक्सिंग बाजरा एंड जवार, उसकी रोटी बन जाती है। मान लीजिए कभी कभी जैसे आपने बोला रोटी बनाना मुश्किल होती है, सो व्हाट आई डू इज आई ऐड कर्ड्स एंड आई मेक अ डोसा आउट ऑफ इट। Right. So is that a good way of taking? That's not a perfect way. Actually, क्या है, आप ज्वार बाजरा रागी किसी की भी रोटियां मिलनी है, तीनों को अगर मिक्स भी करना है, मान लीजिए मिक्स भी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, किसी का ग्लूटेन तो है नहीं, वो बनेगा तो नहीं। ग्लूटेन क्या है, ग्लूटेन इज अ गट इरिटेंट प्रोटीन विच विल बाइंड एवरीथिंग टुगेदर, सो इट हेल्प्स रिटेन शेप। अब ग्लूटेन ही नहीं है, इसलिए आपने जब बोला, तो आपने क्या करना है, ज्वार लेना है, उसमें गर्म पानी डालना, गर्म पानी जब तक गर्म है तब तक आप सेक के निकालेंगे रह जाएगा, नहीं तो गर्म पानी नहीं करना है। अगर आप किसी के हाथ को मतलब नहीं होता है तो आप उसमें छाछ डाल दीजिए, छाछ डालने से वो पतली भी रोटियां निकलती है, सॉफ्ट निकलती है, अच्छी भी रहती है। डोसा ही बनाना है, बनाना है तो आप बेटर, आप ये छाछ डालिए और उससे भी क्यों, आप थोड़ा सा उड़द डाल दीजिए, रात को बैटर बना के रखिए, फर्स्ट क्लास इडली डोसा ये सब बना दीजिए। मतलब आप उड़द की दाल इसमें मिक्स कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, एंड देन यू कैन आई मीन अलग से पेस्ट करके एंड यू आर रेडी विद योर डोसा। एब्सोल्युटली, आपको याद ये रखना है, देखिए आप वेज की हम बात कर रहे हैं तो उड़द से बढ़िया प्रोटीन किसी में नहीं है, ठीक है ना। अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं तो लेट नोबडी टेल यू कि यार आप वेज में हो तो आपको प्रोटीन कैसे मिलेगा। उड़द से बढ़िया प्रोटीन किसी में नहीं है, तो आपको उड़द जितना आप ज्यादा लेंगे, और आप देखिए उड़द के बहुत सारे जो प्रोटीन है वो फ्राइंग में मिलते हैं आपको, ठीक है ना। तो और बाकी कोई चीजें जो हम बोलते हैं परफेक्ट ब्रेकफास्ट क्या होना चाहिए, अरुण काकड़ जी ने पूछा था, तो भाई इडली अगर कोई है तो भाई वो अभी का अभी न्यूट्रिशनिस्ट फॉर्मूला देते हैं कि भाई थ्री पार्ट कार्ब्स एंड वन पार्ट प्रोटीन एंड ऑल दैट, प्लस फर्मेंटेशन इज, यस, बट इफ यू रिमेंबर, इफ यू लुक एट द रेसिपी ऑफ एन इडली, इट इज ऑलवेज दैट थ्री पार्ट आपका राइस है और एक पार्ट आपका उड़द है, तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन आ गया। एंड देयर इज अ मेदू वड़ा व्हिच इज फ्राइड कंप्लीट, वुड इज फ्राइड, मतलब आपने वो ब्रेकफास्ट ले लिया, अगर आपका सिंगल पॉलिश राइस है या रेड राइस या कुछ है और आपने उड़द डाल के ये कर लिया, तो इससे परफेक्ट कोई ब्रेकफास्ट आइटम नहीं है। आपको बहुत लोगों को ढोकला खाने की आदत होगी क्योंकि सिंपल फूड अच्छा फूड है, तो ये ढोकला ही चीज है। आप समझो बेसन की जगह आप रात को इसका आटा डालिए, मूंग दाल का आटा डालिए और उसको फर्मेंट कीजिए छाछ से,
सवेरे उसका स्पॉन्ज बनाइए और उसके ऊपर चटनी या राई जीरा का तड़का दीजिए, परफेक्ट. आपको कोई टेस्ट में फर्क मालूम नहीं पड़ेगा, ना कलर में फर्क मालूम पड़ेगा, हेल्थ के लिए बढ़िया. राजगीरा का आटा थोड़ा चाहिए तो उसमें डाल दीजिए, तो इतना न्यूट्रिशन बस. आई कैन नॉट टेल यू इनफ अबाउट राजगीरा, मतलब राजगीरा के ऊपर मैं एक घंटा बोल सकता हूँ. यू हैव सेशन ऑन एक्चुअली हाउ टू कंज्यूम प्रोटीन. यस यस यस. राजगीरा, राजगीरा प्रोबेबली शायद एक ही ऐसा ग्रेन है जिसमें विटामिन सी है, ठीक है ना. मतलब आपने आंवला खाने की जरूरत नहीं, ये नहीं, आपका ये मिल गया, पूरा हो गया. इसमें लाइसिन इतना ज्यादा है विच इज गुड टू कंट्रोल ऑल द फैटी एसिड्स और फैटी टिश्यूज को डिसॉल्व करने में, ठीक है ना. रागी, रागी में फॉर एग्जांपल, मतलब अगर हम मॉडर्न साइंस की बात करेंगे तो ट्रिप्टोफैन इतना है, ठीक है ना, विच इज विच हेल्प्स यू इन कर्बिंग योर एपेटाइट. आपको हंगर पैंग्स जबरदस्ती के लगते हैं वो नहीं लगेंगे, ठीक है. तो अगर आपको वेट लूज करना है तो आप ये मतलब वैसे ही बाय डिफॉल्ट रागी लीजिए, ज्वार लीजिए, ठंड के टाइम में बाजरी लीजिए, आपको वैसे ही वेट कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है ना. देसी घी, बिकॉज अभी वेट का क्वेश्चन कोई आया नहीं, लेकिन फिर भी तो अभी वेट में क्या है, अगर किसी को वेट है तो सब लोग अपना फैट बर्न करा देते हैं, जो फैट इनटेक. तो मैं ये कहता हूँ उल्टा कि आपको देसी गाय का घी, अगर आपको वेट रिड्यूस करना है, एक्चुअली देसी गाय का घी एक्ट्स एज अ परफेक्ट वेट ऑप्टिमाइजर. अगर आप अंडर वेट है और आप देसी गाय का घी लेते हैं तो आपका वेट ऊपर आ जाता है. अगर आप हेवी साइड है, आप ओबीज है, तो आपका वेट नीचे आ जाता है और बैलेंस हो जाता है. तो देसी गाय का घी आप लीजिए और उसके साथ में ये रागी लीजिए, ज्वार लीजिए, भरमार लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और इसके साथ में अगर किसी को वेट लूज करना है तो भाई आपको लो कैलोरी फूड खाना है. बेस्ट लो कैलोरी फूड क्या है भाई साहब? बेस्ट लो कैलोरी फूड है आपकी लौकी जी. आपका मतलब जो ऑल द गुड्स, देयर इज अ स्नेक गुड या लॉन्ग गुड जो मिलता है, ऑल द गॉड वेजिटेबल्स आर योर वेट. Absolutely. Yes, अगर वो आप लेते रहेंगे तो आपको एक महीने में आपको फर्क दिख जाएगा. बहुत लोग आते हैं हमारे पास कि भाई आप ऐसा कुछ बनाओ कि जो हम खाए और हमारे बाल और स्किन भी अच्छे हो जाए. हो जाएगा. अगर वो स्नेक गोल्ड या लॉन्ग गोल्ड है उसमें इतना कैरेटीन्स है कि वो आपकी स्किन और हेयर के सारे प्रॉब्लम खत्म कर देता है. तो अगर आप स्नेक गोल्ड जितना ज्यादा खाएंगे आपका ये सारा प्रॉब्लम बाय डिफॉल्ट खत्म हो जाएगा और आपको कोई डाइट करने की जरूरत नहीं. आपको नो हंगर पैंग्स, नो रिमेनिंग हंगरी या कुछ नहीं. आप ज्यादा खा लो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन खाने में सिर्फ एक है, जैसे आयुर्वेदा बोलता है हम लोग ट्रेडिशनल विजडम के हम पहले से जैसे धीरे खाओ, चबा के खाओ, 32 टाइम्स चबाओ या इतने टाइम चबाओ. इसमें क्या है, अभी साइंस हैज प्रूव्ड कि आप जब आपका स्टमक फुल हो गया है, ये सिग्नल ऊपर जाने को, आपके ब्रेन तक जाने को, भाई आई एम फुल नाउ स्टॉप, इसको 20 मिनट लगते हैं. मतलब अगर आपने 20 मिनट के अंदर सब खाना खा के हो गए, आप निकल गए, तो आपको कभी लगेगा नहीं कि आपने पूरा खाना खाया. आपको हमेशा लगेगा कि आई हैव जस्ट मैनेज्ड, यू नो, मैंने थोड़ा कुछ स्टफ किया है. उससे अच्छा अगर आप धीरे धीरे खाएंगे, ज्यादा चबा के खाएंगे, तो आपको महसूस होगा कि आपने कम खाया है. आपने कम खाया लेकिन आप यू आर फुल. एक्चुअली यू हैव ईटन जस्ट व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर यू. वेरी ट्रू. दैट इज द ईटिंग, द वे, द बिहेवियरल ईटिंग पैटर्न. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. आयुर्वेदा हैज अ ह्यूज फोकस ऑन आहार विहार. यू नो, वी डोंट जस्ट से आहार, वी से आहार विहार. क्योंकि क्या है, आपके वेट में ना दो तीन चीजें और भी एड होती है अपार्ट फ्रॉम योर फूड. आपका मेंटल मेकअप क्या है, आप ज्यादा स्ट्रेस में हो, आप एंग्जाइटी में हो, आप स्लीप डिप्रिवेशन है आपको, तो आप चाह के भी वेट कम नहीं कर सकते. तो इसके लिए क्या होता है, बहुत बार आप ये सब चीजों में ज्यादा खा जाते हैं. तो अगर ऐसा, अगर आप रियलाइज कर रहे हो कि आप बहुत एंग्जाइटी में हो, स्ट्रेस में हो, तो खाने से 15-20 मिनट पहले अगर 5 मिनट मेडिटेशन कर लो या 10 मिनट का शवासन कर लो, अगर आप योगा जानते हो, तो थोड़ा काम हो जाएंगे. प्रिफर करो कि टीवी ना देखे, कोई ऐसा प्रोग्राम ना देखे कि जो आपको फिर उसमें इंग्रॉस कर दे ना खाने में. और वैसे ही बिफोर स्लीपिंग हाफ एन आवर, 1 hour टू गेट अ गुड स्लीप, यू नो, यू शुड नॉट बी वाचिंग एनी इलेक्ट्रॉनिक. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. सो व्हिच इज सो ट्रू. सी, दिस इज, इट्स बेसिकली कमिंग बैक टू आवर रूट्स, यू नो. एब्सोल्युटली. इट इज जस्ट, या सो ना, रुचिता हैज सेड की बेजर, बहुत सारे क्वेश्चंस आए, बेजर की रोटी इज इट वर्थ. So if you can just tell her. उसके पहले किसी ने पूछा है कि when my kids have meal while consuming दाल, I pour a, हाँ, very good Ruchita. I mean, we've always suggested please have tea. So now you even have an Ayurveda expert. I have also suggested before, but now you have. I'll just add that to Ruchita, instead of this dal, instead of going in for tuvar dal, going for moong dal, going for masoor ki dal. And all those dals. Try and bring tur dal out. Tur dal में कुछ ऐसे proteins होते हैं, basically any. आपका डाइजेशन कभी सही नहीं होगा. आपको टैक्स करता है. तो दाल
is taxing. Is taxing, okay. Yeah. So, कौन सी दाल बोल रहे हैं आप? मूंग की ले लो, मसूर की ले लो, मटकी जो हम लोग बोलते हैं. अच्छा, मटकी. बहुत बहुत सारी दालें हैं. तो सारे MM वाली दाल ले लीजिए. मूंग, मसूर एंड मटकी, so you remember that. Yeah, yeah. So, and about the बेजड़ की रोटी. बेजड़ की रोटी क्या है? बेजड़ की रोटी की जो ओरिजिनल कॉम्बिनेशन है वो आज राजस्थान में कितने लोग करते हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन अगर बेजड़ की रोटी जो ओरिजिनल फॉर्म में है वो ठंड के टाइम में तो खाते ही थे हम लोग, तो उससे कोई तकलीफ नहीं है. लेकिन बाद में अगर आप रेगुलर करें, अगर उसको गर्मियों में खाए तो हो सकता है डाइजेशन में उसको तकलीफ हो. तो अगर अगर कंपल्सरीली बेजड़ की रोटी ही बन रही है तो आप छाछ और लीजिए आप, ठीक है, और वो रोटी कम कम खाइए बस. अच्छा। उससे ज्यादा कोई अब ये नहीं है, वो नहीं, ठीक है. एंड इन्होंने पूछा है कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रेन्स, जो नितिन जी बता ही चुके हैं कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रेन्स, आप अपना रागी ले लीजिए, ज्वार ले लीजिए और बाजरा ले, लेकिन बाजरा सिंस अभी गर्मी हो रही है तो थोड़ा कम मात्रा में लीजिए, मिक्स कर सकते हैं क्योंकि तीनों में ग्लूटेन नहीं है. एंड इन केस आपको इसका, जैसे मैंने एक तोड़ पूछा था व्हाट अबाउट डोसा, तो आप उसमें उड़द की दाल मिला सकते हैं, नेक्स्ट दिन उसको फर्मेंट होने रख सकते हैं पूरी रात, नेक्स्ट दिन आप उसके डोसा बना सकते हैं, और अदरवाइज उड़द दाल का पेस्ट उसी से टाइम में बिना फर्मेंट किए भी रोटी बना सकते हैं, बना ही सकते हैं. सो यू गॉट अब तीन नंबर्स ऑफ नितिन जी का, आई मीन डेफिनेटली ही इज ऑन कुकपैड, सो यू कैन सी इतनी बनी हुई रेसिपीज एंड यू कैन फॉलो हिम हिज रेसिपीज. दिस कुकपैड हैज गिवन मी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू यू गाइस, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल कीप पोस्टिंग माय रेसिपीज आल्सो ऑन कुकपैड. So if you follow me on Cookpad, I'll keep posting this healthy recipes only, you know, and I would like to meet all you people on Cookpad because, you know, it's a great thing that we are all cooking as a community so we can guide each other, you know, yeah. So great job Cookpad. Thank you so much. And Nitin, I will take another question. नवनिका का एक क्वेश्चन है कि सब लोग बोलते हैं कि उड़द दाल ज्यादा नहीं खानी चाहिए, सो अभी भी इन्होंने बात की तुअर दाल की. वनिका, आइडियली वो आपके पूरे देखो, उड़द दाल ज्यादा में क्या है, आप उड़द दाल ज्यादा मतलब क्या कि उड़द दाल आप डेली में दाल बना के खाएंगे तो बहुत सारा प्रोटीन जाता है आपके इसमें, तो उसमें क्या है कि किसी का अगर डाइजेशन पावर सही नहीं है तो आपको इनडाइजेशन हो सकता है या हाजमा थोड़ा धीरे धीरे हो सकता है. उड़द दाल कभी भी ज्यादा खाते ही नहीं है, कोई भी आप कोई भी कल्चर लो, हमारे कोई भी डिशेस में लो, तो उड़द दाल की स्पेशल दाल तो बहुत ही रेयर ओकेजन पे बनती है. उड़द हर जगह मिक्स होता है, यू नो, उड़द इज ऑलवेज कंबाइंड विद अदर थिंग्स, यू नो, सो दैट इज ऑलवेज द दिस. बट अदरवाइज अगर आपका, इसको हम अग्नि बोलते हैं, अगर वो अच्छा है, पेट का डाइजेस्टिव फायर अच्छा है, तो आए दिन खाने कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है ना. अनलेस यू हैव सम काइंड ऑफ एसिड रिफ्लेक्स इश्यू एंड ऑल, के आपको प्रोटीन हजम नहीं हो रहा, तो देन इट इज अ मेडिकल कंडीशन, उसका उड़द से कोई संबंध नहीं. आपको एग्स का भी सेम प्रॉब्लम होगा, आपको चिकन का भी सेम प्रॉब्लम. वेल सेड. मधुमिता वांट्स टू नो दैट ग्रीन टी हेल्प्स इन रिड्यूसिंग वेट, इट कंटेन्स एंटीऑक्सीडेंट्स, वो आपके व्यू एज एन आयुर्वेदिक फूड एक्सपर्ट जानना चाहते हैं. देखो, आयुर्वेदा में कोई ग्रीन टी वेंटी नहीं है भाई. आयुर्वेदा ने कभी कोई ग्रीन टी बोला नहीं, आयुर्वेदा ने टी भी नहीं बोला है. आयुर्वेदा ने एक जो हम सवेरे जो सबसे ज्यादा जो लोगों को रिकमेंड करते हैं वो चीज है, आप एक आप एक कप पानी डाल दीजिए, उसमें आप जरा सी हल्दी, आप हल्दी प्रेफर करना, आप ऑर्गेनिक ले लेना, नहीं अदरवाइज बाकी नॉर्मल हल्दी बाजार में खाली कलर होता है, कुरकुर में निकाल लेते तो आपको बेनिफिट नहीं मिलता, ठीक है ना. आप हल्दी डाल दीजिए, उसमें अच्छा खासा एक जिंजर का पीस क्रश करके डाल दीजिए, जब वो उबलता है तो उसमें अ बिट ऑफ आप उसमें जरा सी काली मिरी जो बोलते हैं हम लोग, काली मिरी जरा सी डाल दीजिए फ्लेवर के लिए, ठीक है ना. ये सब आप पोर कर लीजिए और उसमें एक चम्मच आपको नेचुरल शहद मिलता है तो, नहीं तो एक चम्मच मोलेसेस आप डाल दीजिए उसको, वो अच्छा स्वीट ये है, उससे ज्यादा आपको एनर्जी कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है ना. तो ये जो नेचुरल, ये आयुर्वेदा ने बोला हुआ, आप उसको ग्रीन टी बोलो या आप उसको येलो टी बोलो, येलो दिखेगा कलर में, या कुछ बोलो, वो है सबसे बेनिफिशियल, यू नो, सो दैट इज द बेस्ट पार्ट, ठीक है ना. बाकी ग्रीन टी अपने अपने जगह है. देखो, टी का फॉर्मेट जो है वो वैसे ही मना करते हैं क्योंकि वो ड्राई आउट कर देता है आपको, इट्स एन एस्ट्रिंजेंट, वो पूरा ड्राई आउट कर देगा, आपके सिस्टम में से पानी ड्रेन आउट होता है, आपको बहुत पानी पीता है, आप गले में ये हो जाता है. तो टी वैसे ही कम पीना चाहिए. अगर आप मिल्क पी सकते हो तो अच्छा खासा उसमें, देखिए ये बाहर अभी एक क्रेज चल रहा है, अभी भी चल रहा है और बहुत महंगे दामों में बिकता है गोल्डन लाते, तो गोल्डन लाते का ऐसा क्रेज है कि आप पूछो नहीं, मतलब वो गोल्डन लाते बोल के आप कितना पैसा ले रहे हो बाहर, इसमें कोई ये नहीं. गोल्डन लाते है क्या कि आपने अच्छा दूध लिया, गर्म कर दिया और उसमें एक वन स्पून फुल ऑफ अब उसने हल्दी डाल दी, आप उसने उसमें जरा सा आपको चाहिए तो थोड़ा सा गुड़ या कुछ या मोलेसेस डाल दिया और गरम गरम पी लिया. देखो, हल्दी कुरकुरमिन का मैक्सिमम बेनिफिट आपको फैट के साथ मिलेगा, इसलिए उसको फ्राइंग के टाइम पे जब ये होता है तब डालते हैं. तो अगर ये दूध के साथ लोगे तो दूध में फैट होता ही है थोड़ा, तो मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा. तो ये आप ये
कोई फैंसी प्रोडक्ट के पीछे जाने के जाने से अच्छा ये जो दो चीजें मैंने बताई अगर आप उसको ले सकते हैं तो आपको फ्रेशनेस तो मिलेगी ही मिलेगी, आपको एनर्जी भी मिलेगी, आपकी सिस्टम क्लीन हो जाएगी. Thank you so much, Nitin. Another question is, Ruchita Mehta Saxena has asked that 40 plus ladies diet, what do you suggest? Because 40 plus ki ladies hoti hain, zyada tar unko thodi hormonal problems ho jati hain. You know, because of maybe it could be menopause or so many things. So, aap kya suggest karenge? Aap apne hisab se kya suggest? Dekho, humne jahan tak dekha hai, ki yehi jo diet jo hum bata rahe hain, wohi diet aap carry karo, to aap 40 plus ho ya 80 plus, aapko koi tension lene ki zarurat nahi. ठीक है ना, बिकॉज ये जो स्पेशली जो इसमें ज्वार है या इसमें जो आपका उड़द है या बहुत सारी चीजें, ये सारी अपने हार्मोन्स को रेगुलेट करती है. ये सारी चीजें अगर आप ढंग से आप देसी गाय का घी ले रहे हो तो आपको ये हार्मोनल इम्बेलेंस और ये सब का प्रॉब्लम होगा नहीं. हाँ, अगर कोई पर्टिकुलर मेडिकल कंडीशन है बिकॉज ऑफ सर्टन हेरिडिटरी इश्यूज या कोई आपने कुछ गलत सलत हो गया या एक्सीडेंट या कुछ व्हाटएवर रीजन, तो एक डॉक्टर बता सकता है. बट अदरवाइज यू डोंट हैव टू alter your diet radically to do anything, you know, like that. You will not have any issues with the diet that we have suggested so far. So the idea is keep having what he suggested. Yeah. I mean, even in 40 plus, you can keep having jawar, ragi, and so, I mean, these are the foods that you're supposed to have actually, rather than going for a processed food. Absolutely. So, Kavita Suklani ki beti 10th mein padh rahi hai, keh rahi ki unki beti ka weight badhta ja raha hai. Aap apne hisab se kya suggest karenge? I think unhone agar wahi same cheez hai, dekho ye weight badhna, agar koi hormonal issues hai, koi bimari hai, to baat alag hai. ठीक है ना, लेकिन अगर उनका नॉर्मल वेट है वो सब कुछ कर सकते हैं. देखो ओबिसिटी, आयुर्वेदा में कोई बीएमआई चार्ट नहीं है. हम कोई बॉडी मास इंडेक्स चार्ट या हाइट और वेट रेशियो या ऐसा कुछ में बिलीव नहीं करते आयुर्वेदा में, क्योंकि ये चार्ट्स है ना, ये कंसेंसस से बनाए गए, तो देयर इट विल ऑलवेज बी रॉन्ग फॉर 50% ऑफ द पीपल. ठीक है ना, इसका मतलब आप गलत नहीं हो, क्योंकि आपकी जो आपका जो प्रकृति है, मतलब आपके वो टाइम पे आपका त्रिदोष क्या है, आपकी आपका हेरिडिटरी इश्यूज क्या थे, आप कौन से एनवायरनमेंट में हो, आप क्या खाना खा रहे थे, मतलब आपके पेरेंट्स क्या खाना खा रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, कैसे थे, उनकी उनकी स्ट्रक्चर क्या है, उस बेसिस पे आपकी कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड होती है. ठीक है ना, तो उसमें कोई बीएमआई इंडेक्स या कुछ भी आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि आप यूनिक हो. ठीक है ना, और हर एक स्टेज पे आयुर्वेदा ओबीस किसको मानता है कि योर चेस्ट बटक्स है या टमी है, इफ दे आर सैगिंग और हैंगिंग लूज excessively, then you are obese, then you have a condition that needs to be treated. Otherwise, you are not obese. अगर वो अपना काम पूरी तरह से कर पाती है और अगर वो दिन का पूरा काम पढ़ाई वढ़ाई करती है और थकती नहीं है, वो रेगुलर इसमें करती है, तो शी इज नॉट ओबीस. इसमें क्या होता है, मैं इसमें एक अलग चीज और एक बताना चाहती हूँ, क्योंकि जो टेंथ में है तो पीयर प्रेशर होगा उसके ऊपर, पढ़ाई नहीं, पढ़ाई से ज्यादा तो दिखने का होता है कि ये मोटी है या ये ऐसी दिखती है या इसके यार सेल्फी सही नहीं आते, देखो कितना ऐसा है वैसा है, तो ये पीयर प्रेशर में ना जाए. देखिए आपके बॉडी की, जैसे मैंने बोला बिगिनिंग मिडिल एंड एंड, वैसे आपके बॉडी के भी त्रिदोष फेजेस होते हैं. तो जैसे आप 21 तक हो तो आप कफ फेज में हो, यानी कि आपकी बॉडी बन रही है. ठीक है ना, तो बहुत सारे लोग जो होते हैं कि वो 20-21 या 19-20 के बाद उनकी बॉडी खुलती है, या तो मोटे होते हैं या पतले होते हैं, लंबे होते हैं छोटे होते हैं एजेस में, क्योंकि आपका जो कफ ऑफ आपकी बॉडी की बिल्डिंग स्टेज जो है वो 21 इयर्स तक है. तो आप 21 इयर्स तक तो कोशिश करो कि कोई ऐसा रेडिकल डाइट ना लो. हाँ, अगर कोई मेडिकल कंडीशन है तो हम बता नहीं सकते, लेकिन अगर ना है तो अगर उसके डाइट में से भी ये सारी चीजें आप निकाल दो, बर्गर पिज्जा कोल्ड ड्रिंक्स कंप्लीटली आउट, ये सारी चीजें जो हमने बताई ये निकाल दो, पिज्जा निकाल दो, और जितना हो सके उतना ज्वार और ये सब दे दीजिए. अगर उनका अगर किसी को वेट लॉस के लिए बढ़िया फूड चाहिए तो मैंने ये बताया, जैसे सही है, लौकी है, पड़वल है, परवल है, तुरई है, ये सारी चीजें वेट लॉस के लिए तो सुपर है. आपको कोई डाइट करने की जरूरत नहीं, कम खाने की जरूरत नहीं, ज्यादा खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसमें. ठीक है ना, और अगर उसमें अगर उनको पित्त नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप अगर नॉर्थ की है तो आई एम श्योर यू हैव हर्ड ऑफ अ फूड कॉल्ड कुलथी. हम लोग कुलित बोलते हैं मराठी में, कुलित बोलते हैं, कोलू बोलते हैं शायद, कुलथी बोलते हैं, ये है, ये ऐसा फूड है, मतलब ये आज यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, वहां वो लोग उसको सुपर फूड या मिरेकल फूड बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें बाकी सब कुछ है और ये नहीं है, उसमें कैलोरीज नहीं है, लेकिन वो ज्यादा खाने से, लेकिन एक चीज हो सकती है कि आपको आपका पित्त बढ़े, तो अगर आपका पित्त ऐसी पित्त प्रकृति है तो आप कम लीजिए, लेकिन उसके साथ में छाछ बहुत लीजिए, तो वो बैलेंस करेगा, तो वो फूड से आपका पेट भी भरा रहेगा, आपको सारी आपको न्यूट्रिएंट्स अमीनो एसिड सारे मिलेंगे, लेकिन आपको कोई कैलोरीज शूट अप नहीं होगा. तो ये कैसे पता चले किसका पित्त ज्यादा है किसका
कहा ज्यादा है किसका ये कैसे ये बेसिकली आई एडवाइज यू टू गो टू वैद्य एंड डू इट. अगर आपके पास वो फैसिलिटी नहीं है, लेकिन उसमें भी क्या है, समझो फॉर एग्जांपल आप पित्त वाले हो, आपके फादर इन लॉ कफ वाले हैं, ये है, तो सबके लिए तो अलग अलग खाना नहीं बना सकते ना. Correct. तो आइडियली तो ये है कि जिससे ये जो तीनों में चीजें नहीं खाते ना, सबको ही हटा दो. अच्छा. वो ओकेजनली लो और बटर मिल्क लेते रहो. एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है बहुत से लोगों को. फॉर एन एग्जाम्पल क्वाइट अ लॉट ऑफ पीपल यू नो एट वन पॉइंट ऑफ एज are going like for an example Avni ka sawal hai sir my mother-in-law is down with prolonged rheumatoid arthritis with bronchitis and with multiple problems she is totally on bed cannot move around partially handicapped is there any cure in Ayurveda and what is the best diet for her Avni let me tell you that agar aap Ayurveda mein koi Ayurveda physician ke paas nahi jayenge koi vaidya ke paas nahi jayenge aur usko chhod ke aur koi doctor ke paas jayenge I am not putting anybody down I am nothing against allopathy or anything but I will tell you ki sab log eventually aapko knee replacement hi bolenge theek hai na go for KRT ek standard dialogue rehta hai wo sabko zarurat nahi hoti theek hai na ye arthritis aur ye sari cheeze jo aapko joint pain hota kyu hai pehle to kya hai ki aapke bhi veins hai जो भी आपको जॉइंट्स है तो ये जॉइंट्स मूव होने के लिए ना इसके बीच में हम लोग वंगण बोलते हैं उसमें देयर इज व्हाट वी कॉल लुब्रिकेटिंग फ्लूइड ठीक है ना या तो अगर जब आपका वो बंद हो गया मतलब लुब्रिकेट बियॉन्ड अ पॉइंट आपका बंद हो जाता है आप वात फेज में आते हो लाइफ के जो आप पोस्ट मिडिल एज जब आते हो तो ऑब्वियसली वो आपका लुब्रिकेटिंग फ्लूइड बनना बंद हो जाता है कमती हो जाता है तो फिर सीधी बात है कि आपके वो जो बोन्स है वो एक दूसरे को खसते हैं पेन होता है जलन होती है सूजन होती है आप चल फिर नहीं सकते मोमेंट यू आप चल फिर नहीं सकते तो आपको कैलोरीज बर्न करने का कैलोरीज कम करने का या जलाने का कोई आपके पास साधन नहीं होता तो इसका भी एक सॉल्यूशन है आप देसी गाय का दूध लीजिए रोज सवेरे उसमें जरा सी हल्दी डाल दीजिए और दो चम्मच देसी गाय का घी मिक्स करके हो सके तो सवेरे शाम या कम से कम सवेरे तो लीजिए आप वैसे ही आपके मूवमेंट खुल जाएगी ठीक है ना जो हम लोग घृत बोलते हैं जो मेडिकेटेड घी वो ये सब जो मेडिसिन मिलेंगे आपको वो घी से बने हुए मिलेंगे और उसके सिवा मैं बोल रहा हूं आपको लेकिन ध्यान रहे सिर्फ देसी गाय का घी और कोई घी लेंगे तो उल्टा कुछ हो सकता है लेकिन ये देसी गाय का घी आप लीजिए आपके अगल बगल में देखिए कहीं गिर वाला कोई होगा जो गिर का देता है अगर आप नॉर्थ में तो साहिवाल होता है साउथ की एक अलग ब्रीड है लेकिन देसी गाय का घी अगर उसमें प्रेफरेबली A2 लिखा है वो भी आजकल बहुत सारे कंपनीज या डेयरीज लिखना शुरू कर दिया अगर A2 लिखा है तो ऑल द मोर बेटर ढूंढिए अलग कीजिए एज अ मेडिसिन लीजिए देखिए ये मैं कहता हूँ एक्चुअली देखो अभी आप कोई भी इसका जॉइंट पेन का कोई ट्रीटमेंट करेंगे आपके लाखों लग जाते हैं आप इसमें जो आपकी जो लाइफ की क्वालिटी कम हो गई वो तो आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते उसका कोई आपका यही नहीं है मतलब उसकी कोई गिनती नहीं है ठीक है ना लेकिन अगर अपने जिंदगी भर अगर आप देसी गाय के घी पे और तिल के तेल में रहे आप ये चीजों में रहे ठीक है ना तो हो सकता है आप तब हर महीना हो सकता है आप 500,000 रुपए ज्यादा स्पेंड कर रहे हो लेकिन आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रहती है आपको कभी मतलब ये कॉस्ट की हर बार हम सब लोग हम लोग को बोलते हैं हमको बजट बैलेंस करना होता है साहब आप कुछ भी वैसे बोल देते हैं हम कहां लेंगे ठीक है ना तो मैं ये बोलता हूँ कि आप डिसाइड करना कि आपको अभी पे करना है या आपको एक साथ बाद में पे करना है है ना तो आपको अभी नहीं पे करना है और बाद में आपकी पे करने की मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपकी क्षमता नहीं है मे बी यू कैन स्पेंड 10 lakhs बट यू आर नेवर गोइंग टू गेट दैट क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर आपको 40 साल में डायबिटीज हो गया ठीक है ना तो यू आर अ प्रिजनर फॉर लाइफ आप बहुत कुछ काम नहीं कर सकते आपको हमेशा आपको डाइट का ध्यान रखना पड़ेगा तो फिर फायदा क्या है ना तो आइडिया इज अगर आपके जॉइंट पेन खत्म आपके जॉइंट्स खत्म हो गए आप चल फिर नहीं सकेंगे आप बाथरूम तक नहीं जा पाएंगे तो यू मे हैव टन्स ऑफ मनी बट दैट इज यूजलेस है ना तो बेटर यह है कि आज से हम ध्यान रखें ठीक है ना मैं हमेशा सबको ये बोलता हूँ बहुत सारे यंगस्टर्स जो हमारे पास आते हैं स्पेशली तो मॉडल्स अरे हम तो अब डाइजेस्ट कर लेते हैं कुछ भी कर लेते हैं देखिए क्या होता है आयुर्वेदा कहता है अगर आपने अपने माँ का दूध पिया है बॉडी पे दूध पिया है जो आज के तारीख में बहुत कुछ होता है तो आपको 30-35 तक आपकी अच्छी इम्यूनिटी रहती है आप बहुत कुछ चीजें कर जाते हो आप मैदा हजम भी कर जाते हो ना करो तो भी तकलीफ नहीं होती और नहीं खाते हो पूरा खाते हो ये खाते हो चल जाते हो लेकिन द मोमेंट यू क्रॉस 30-35 आप इसमें से कोई चीज नहीं कर पाते आप यू गेट योर आपको ओबीज होना आपको हाइपर एसिडिटी होना आपको डायबिटीज होना आपको और ये सब होना ये इमीडिएटली पकड़ लेते हैं एंड यू कैन कीप वंडरिंग अरे यार 4-5 साल पहले तो हम ऐसे खाते थे ये करते थे वो करते थे तो ये क्या है आपकी ये इम्यूनिटी बूस्टर आपको जो मिला है वो खत्म होने से पहले आपको ये प्रोलॉन्ग करते रहना है देखिए ये सारी चीजें हमें ज्वार
मैं आपको बोल रहा हूँ, ये बोलता हूँ, ये कोई वे प्रोटीन नहीं है, कुछ नहीं है कि कल आप ऐसे दिखा सको, देखो मेरे डोले देखो, ये देखो, तो ये आपको आप दिखा नहीं सकोगे. दिस इज नॉट द स्टफ दैट विल शो मसल्स. लेकिन इंटरनली यू विल बी सो स्ट्रॉन्ग, यू नो, यू विल बी, योर बॉडी विल बी सो फ्लेक्सीबल, एंड यू नो, यू विल बी एबल टू डू ऑल योर बॉडीली फंक्शंस टिल द टाइम, यू नो, टिल योर लेट मिडिल एज या टिल द टाइम यू डाई. That is what is important. See, there is a time when you stop looking at, especially after 40 plus, stop looking at quality of life and look at quality of death. ठीक है ना, कि भाई ठीक है एक दिन मरना सबको है, लेकिन मैं वहां पे कैसे पहुंचूंगा, मतलब will I be healthy enough that मैं 80 तक जीऊं, तो भाई मैं अपना काम खुद कर सकूं, कुछ चबा सकूं, चल फिर सकूं, बाथरूम बराबर से जा सकूं, देख सकूं, ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना, तो आफ्टर 40s या 50s यू शुड लुक एट मोर एज क्वालिटी ऑफ डेथ, कि भाई आपको फ्रॉम हियर टिल द टाइम यू आर अलाइव, यू शुड बी अलाइव, यू नो, यू शुड नॉट, आज की तारीख में बहुत सारी चीजें, पीपल एग्जिस्ट, दे आर नॉट अलाइव, दे जस्ट एग्जिस्ट. उनको लेके जाना पड़ता है यहाँ वहां, उनको कुछ खिलाना पड़ता है, मतलब दे आर केप्ट अलाइव, दे एग्जिस्ट, यू नो, दैट इज नॉट अ क्राइटेरिया, यू नो. So the moment you start eating these foods that I have said, and cut out all these foods. Yeah. So remember that whatever Nitin has said, what you need to cut out, आप उन खानों को निकाल दीजिए. बाकी actually बहुत सारे questions हैं, पर हमारे पास time कम पड़ गया है. And just the crux of it, आप please याद रखिए, all of you. Definitely we're going to have a second session with you. They all are wanting to have. Yeah. Anytime. So I'm amazed. So and I'm thankful to you guys. Yes, you shot in so many questions. Yeah, so they are so much, you know. So there are. आपको ये याद रखना है कि आपका कपा पिता और थोड़ा वाला क्या था बात को in to regulate to balance, balance them. Yeah. He has mentioned the foods that he's eaten. For me not to forget. See, especially अगर जो महाराष्ट्र में है, जो मुंबई में है, वो इनके अगर हाथ का खाना, इनके किचन का खाना खाना चाहते हैं, so please go. He'll definitely put in. आप please अपने profile में Cookpad में डाल दीजिएगा आपके address कहाँ है, and which is an Ayurvedic kitchen, you know, which is his kitchen. And जिनको लगता है कि ज्वार बाजरा खाने में, मतलब इसमें कोई स्वीट कैसे खा सकता है या खाना कैसे खा सकता है, that way, in that case you should be visiting his kitchen. And just for you to know, in fact आज काफी बहुत ही delicious foods हैं यहाँ पर. This is if I can show it well, see, this is a laddu made of ragi laddu. How else, I mean all these recipes are there in his in his profile, Cookpad usme profile mein. Jawari chakli, aisa nahi hai ki aap isko ghar mein nahi bana sakte hain. Then he also has got bajri shatavari laddu. Agar kisi ko lagta hai bajre ka laddu hum kaise khaye, aur kya imagine aap laddu kha bhi rahe ho aur iska sabse zyada बेनिफिट उठा रहे हैं. सो जो लोग डायबिटिक भी हैं, दे डोंट हैव टू बी अवे फ्रॉम दिस, यू नो. सो दीज आर द फूड जो हमारे ही किचन में, हमारे ही देश में मिलता है. सो व्हाई नॉट टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट. सो इट वाज सो नाइस हैविंग नितिन ओवर हियर. थैंक यू Cookpad फॉर गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी टू bring him in here and let our community India, Cookpad community India know कि आयुर्वेदा फूड इज द फूड विच इज जो आपके किचन में ही मिलता है. आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है. आपके हेल्थ, सारे जो आपके क्वेश्चन से हेल्थ रिलेटेड, एवरीथिंग इज एसोसिएटेड विद योर आयुर्वेदिक फूड. सो प्लीज कीप वॉच and share this with many more, because this was a very very informative session. So thank you so much, Nitin, and thanks, wishing you all the best. Thanks to Cookpad for bringing in Nitin here. So we shall meet again, and we shall close the session now. Thank you so much. Thank you.